करता हूँ। और दोस्तों आज इस मीटिंग को अटेंड करना ये बात को दर्शाता है कि हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, हम इस सिस्टम की बहुत वंडरफुल जो डीपली जानकारी लेना चाहते हैं। इसलिए आप बहुत ही टाइम से बहुत ही एक बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। ये इस बात का दावा है कि आप सभी बहुत दिल की गहराई से इस सिस्टम के बारे में समझना चाहते हो, इस प्रोडक्ट के बारे में वंडरफुल जानकारी लेना चाहते हो। सो दोस्तों आपका सभी का वेलकम है। और मैं नागर सर को बेनती करूंगा सर कि हम मीटिंग स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, ओके। सो दोस्तों हमारे जो चीफ गेस्ट है प्रोफेसर कृपाल सिंह नागरा जी, वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे बताना चाहता हूँ। माई सेल्फ दलबीर सिंह खालसा, बेसिकली तरन तारण साहिब पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पिछले 6.5-7 महीनों से इस सिस्टम के साथ खड़ा हूँ। और दोस्तों मीटिंग की स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहता हूँ कि आज ट्रू ग्रोसरी में ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा, ट्रू कॉडी के ऊपर काम करके आज जितना मजा आ रहा है, मैं सल्यूट करता हूँ इस प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि हमने जो सोचा था कि ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा, बट हमें अपनी सोच से भी ज्यादा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, लगभग 8:52 हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आज की इस मीटिंग के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर कृपाल सिंह नागरा जी, उनका जो खूबसूरत चेहरा हम देखना चाहते हैं और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं सर आपसे, तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सभी की ग्रेट क्लैपिंग के साथ, हैंड रेज के साथ, के हमारे इस सिस्टम के मार्केटिंग हेड, एक वंडरफुल पर्सनैलिटी, गुरुओं के गुरु, महागुरु, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी जिन्होंने इस सिस्टम को आज पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, तो आपकी, मेरे कहने की मुराद, आपकी ग्रेट क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं, मैं माइक हैंडओवर करना चाहता हूं प्रोफेसर कृपाल सिंह नागराज जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मेरी आवाज सही आ रही है खालसा जी? हेलो कृपाल सर, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज सही आ रही मेरी? हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपके इस मान और सम्मान के लिए दिल से शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आज सोशल मीडिया में आप क्रिएटिव तौर पे व्यस्त हैं। हाँ जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज इस जबरदस्त, जो हम कह सकते हैं कि भयंकर तरीके से एक प्रॉब्लम आई है, पूरे कोई पंजाब को या इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को आई है। एक ऐसे दौर में हम चल रहे हैं कि जहां हेल्थ इश्यू भी बहुत तगड़ा है और वेल्थ इश्यू भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हेल्थ के कारण नहीं, वेल्थ के कारण प्रॉब्लम है। मान लो कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, तो बीमारी में भी वो लोग पैसा ना होने के कारण इलाज नहीं कर पा रहे। और अगर आज मैं एक लाइन में बात करूं तो आज हमारी गवर्नमेंट दोनों चीजों को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, ना वो हमारी हेल्थ में हेल्प कर पा रही है, ना हमारी वेल्थ में हेल्प कर पा रही है। आज हमारे घर घर में एक ही प्रॉब्लम है, हर घर की एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि हर घर में बीमार है, हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है। और लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो आज गवर्नमेंट के पास बेरोजगारी और बीमारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये हमें ही करनी होगी। इसके लिए हम और लोगों ने प्रयास भी किया है, लोगों ने अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़िया किया है, लोगों ने साफ सफाई किया है। कहते हैं ना कि जब भी बहुत बुरा दौर आता है, जब
सफाई नहीं होती, जब कुदरत के साथ खिलवाड़ होता है, तो फिर ऐसे दौर आते हैं। ये पहली बार नहीं आए, बहुत बार आए हैं, लेकिन इस दौर ने बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों बिल्कुल सर। देखो आज हवा गंदी है, हमें पता है, पानी गंदा है, हमें पता है, धरती गंदी हो गई है, हमें पता है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, पोल्यूशन भयंकर है, और आज सांस लेना भी कई जगह पे मुश्किल हो रहा था, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि दिमाग भी गंदे हो गए थे लोगों के, साफ सफाई नहीं थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, लोगों की सेहत के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था, दवाइयां पड़ रही हैं, प्रेस्टिसाइड पड़ रहा है, खाद पड़ रही है, ओवरडोज दी जा रही है। जैसे कोई पर्सन नशा करता है तो उसकी नशे की डोज बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है। तरीके से जो हमारा खान पीन है, जहां हमारा अनाज उगता है, जहां हमारे खेत है, तो उसको भी जो खाद डाली जा रही है, जो दवा डाली जा रही है, उसकी भी डोज दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। जितनी दवाई डाल के अपने वो फसल उगाई जाती है, तो अगले साल में वो ज्यादा डाली जाती है। लेकिन लोग अवेयर हो रहे हैं, वहां भी अवेयर हो रहे हैं, लोग गोबर को यूज कर रहे हैं खेतों में, और हर्बल खाद आ रही है, और आयुर्वेदा में आ रहे हैं। इसी तरीके से इंसान भी, जो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो अंग्रेजी दवाई एलोपैथी खा खा के हमारी हैबिट बन चुकी है, लेकिन वो बीमारी नहीं हट रही। कहते ना, वंस अ डिजीज ऑलवेज डिजीज। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दवाइयों के सर पे ही जिंदा है। हमने देखा है कि बहुत लोगों को एसिड की गोली लगी हुई है, बीपी की गोली लगी हुई है, शुगर की गोली लगी हुई है, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि ये बीमारी के साथ ही हमने जीना है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा में इन चीजों के इलाज है। दूसरे देश आयुर्वेदा में 30-35% यूज में निकल चुके हैं, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं हो रहा था, लेकिन आज आयुर्वेदा का दौर आ रहा है। कहते हैं ना, जैसे समय था, कभी आईटी का दौर था, हाँ जी, कभी कंप्यूटर का दौर आया, कभी पेट्रोलियम क्रांति आई, कभी हरी क्रांति आई। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो आ रही है, हेल्थ में जो क्रांति आ रही है, आयुर्वेदा लोग जा रहे हैं, जहाँ ये भयंकर बीमारी चल रही है, वो उसके अलावा भी जो दूसरी बीमारियां थी पर्सन को, उससे भी बहुत बड़ी मात्रा में मौत हो रही थी। जैसे टीबी की बीमारी है, फेफड़ों की, टीबी की, दमा की बीमारी है, बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, लेकिन उन बीमारियों की तरफ भी लोगों का ध्यान सही हुआ है। तो इसी कड़ी में जब हमने वेल्थ को, लोगों की वेल्थ को, बेरोजगारी मिशन को, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने में, जब हमने ट्रू ग्रोसरी 13 का 13 अक्टूबर 2019 को प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम किया, मन बनाया हम तीनों पार्टनरों ने, ग्रेट पर्सनैलिटी जितेंद्र सैनी जी और ग्रेट पर्सनैलिटी रविंद्र सिंह विक्की जी, अपने हम मिलके ये एक मिशन बनाया कि किस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से लोगों का बेनिफिट किया जा सकता है। लेकिन भगवान की कृपा हुई, कहते जब सच्चे राह में चलते हैं तो सच्ची चीजें, सच्चे लोग, आप जैसे लोग, सभी का जो वेलकम है वो मिलने शुरू हुए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ दो पर्सनैलिटी, डॉक्टर नंदा जी, डॉक्टर चावला जी के साथ मुलाकात हुई, उनके जबरदस्त प्रोडक्ट जो लगभग 17-18 साल में ट्रेडिशनल वे और अपने क्लिनिक पे उसकी ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, रिजल्ट ले चुके थे, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर और अपने पेशेंट के ऊपर रिजल्ट ले रहे थे। तो वो जबरदस्त रहमत की बूटी, जिसे सच्चा अमृत कहते हैं हम, ट्रू नेक्टर कहते हैं। तो आज एक जैसे ट्रू ग्रोसरी 13 के प्लान ने कमाल की है, जबरदस्त प्लान दिया है, लेटेस्ट वर्जन का प्लान दिया है, इसी तरीके से एक लेटेस्ट वर्जन का हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट, मींस हमारी डाइट, मींस इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, इम्यूनिटी के सारे ही सारी फंक्शन कवर करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, और आज वो जबरदस्त आबे हयात ट्रू नेक्टर हमारे बीच हमारे हाथ आया, और जिनको लोगों ने पसंद भी किया और उसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। तो दलबीर सिंह खालसा जी और बाकी सारे जो मेरे मित्र हैं, डॉक्टर कपिल जी हैं, गोपाल सिंह नागरा जी हैं, गुप्ता जी हैं, चीमा ब्रदर्स हैं, लखविंदर कौर मैम है, और राम शर्मा जी हैं, आनंद जी हैं, सुरेश चौधरी जी हैं, बंटी भारतवाज जी हैं, धन सिंह चौहान जी हैं, प्रदीप जी हैं, सो मेनी लीडर्स जिन्होंने इसको, इसका यूजेस किया। सबसे पहले अपने पे प्रयोग किया, मैंने अपने पे प्रयोग किया, जितेंद्र सैनी जी ने अपने बच्चों पे भी प्रयोग किया,
और आज उसकी क्लिप भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर साहब को सुनते हैं। वो कुछ सवाल थे हमारे मन में जो हमने डॉक्टर साहब को किए, जब उन सवालों के जवाब मिले, इस प्रोडक्ट की जानकारी मिली तो मन बड़ा खुश हुआ, तभी हम यूज करते हैं। जब तक हमें कोई प्रोडक्ट देता है तो उस प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, वो कैसे वर्क करता है, हमें नहीं पता होता तो हम उसे विश्वास से नहीं लेते। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज विश्वास से नहीं ली जाती वो असर ही नहीं करती। तो हमें उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट का ख्याल कैसे आया डॉक्टर साहब के मन में, और ये प्रोडक्ट पे क्या क्या डाला गया है, और उन जड़ी बूटियों का हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, हमारी जो मॉडर्न साइंस की अपने रिसर्च है उसमें क्या वर्णन है, और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण करके आज और आयुष से मान्यता प्राप्त करके यूएसटी सर्टिफाइड करके ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में रखा। बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है कि भी हम खुद नहीं यकीन कर पा रहे। और आज डॉक्टर नंदा जी जिनके बारे में अभी आपको पीपीटी के माध्यम से बताया जाएगा, आज बहुत शानदार भी पीपीटी भी आपके समक्ष आएगी। कहते हैं ना ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है कई बार, और टाइम की भी एक बड़ी बाउंडेशन सी, कुछ लोग बोलते थे 8:30 करो, कुछ लोग बोल रहे थे 9:00 करो, काफी लोग हैं जो बड़ी तेजी से भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दिन बड़े हो गए हैं, झट से 9:00 जाते हैं पता भी नहीं लगता, 8:30 तक तो वैसे ही क्या बोलते हैं रोशनी होती है। तो सभी लोग बड़े ध्यान से डॉक्टर साहब का सेशन सुनिए, उसके बाद कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्वेरी है, वो उसका हल, उसका जवाब आपको दिया जाएगा डॉक्टर साहब के सेशन के बीच में। आप चैट करके भी लिख सकते हैं, बाद में हैंड रेज भी कर सकते हैं, बीच में आपको मौका भी मिलेगा। तो डॉक्टर साहब क्या आप आ चुके हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाह जी वाह, क्या बात है, खूबसूरत चेहरा डॉक्टर साहब का। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका। तो नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम डॉक्टर साहब। तो मैं बात कर रहा था कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट के पास जो घर घर में बीमारी है, जहाँ बेरोजगारी है, उसका कोई विकल्प नहीं, जबरदस्त विकल्प का विकल्प लेके, उनका हल लेके, इसका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है, वो लेके आपके सामने हाजिर है। तो डॉक्टर साहब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, तो आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरीके से ये रहमत की बूटी आबे हयात, इसकी किस तरीके से आपके दिमाग में ख्याल आया और इसमें क्या क्या डाला है, वो कैसे हमारे शरीर में वर्क करता है। तो मैं सभी की स्माइलिंग फेस से, सभी के क्लैपिंग से मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर चावला जी। ग्रेट सर, ग्रेट, वेलकम सर, वेलकम। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा माफ करना, बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आई थी, बहुत जल्दी कॉल। हाँ जी, थैंक यू नागरा जी, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने महान काम पर हम सब लोग मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज, जैसे आपने बताया कि आज का दौर एक ऐसा दौर गुजर रहा है जो इंसानियत को एक लेसन देने आया। इंसानियत को लेसन क्या देने आया है, सबसे पहले तो ये लेसन देने आया है कि नेचुरल हीलिंग अपनी बॉडी की, अपनी। नागराज जी मेरी बात सुन रही है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, हाँ जी। बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? नहीं, ठीक है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। राइट है, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। चलो, तो ये जो आज का दौर है ना जी, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें इंसानियत को एक लेसन मिल रहा है। लेसन ये मिल रहा है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कायम है तो ही आपकी जिंदगी साधारण और स्मूथ चलेगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम कायम नहीं है तो दवाइयों के सहारे आप बीमारियों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। दवाइयां आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी,
तो इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं, इस दुनिया की सृजना करने वाला जो सृजनहार है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने अपनी एक नायाब तोहफा कुदरत की जो खजाना है वो हमारे सामने जाहिर किया। तो आज से 13 साल पहले इस खजाने के बारे में मुझे पता चला था, जब इसको हमने खुद इस्तेमाल किया, अपने घर में इस्तेमाल किया, ठीक है, रिजल्ट मिलने शुरू हुए, राइट, तो फिर इसको हमने लोगों के लिए इसको बनाने का सोचा और इसको बनाया, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कैसे हम लोगों तक इस खजाने की बात, इस खजाने के काम करने का तरीका कैसे लोगों तक पहुंचाएं। हमारा एक्सपीरियंस बन गया था, हमने खुद को खुशहाल कर लिया, निरोगी कर लिया, ठीक है, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अब लोग भी इसको इस्तेमाल करके पैसा भी बनाए, निरोगी भी बने, वो प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए ये हमारे जो तीनों हमारे जो त्रिदेव जिनको हम बोलते हैं, नागराज जी, विक्की जी, सैनी जी, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। तो हर बार इस प्लेटफॉर्म को मैं एक जरिया बनाता हूं ताकि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने ये तीनों दोस्त मेरे मेरे जो मतलब एक मतलब हीरे की तरह चमक रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, सैनी जी, नागराज जी और विक्की जी, और ये कहने को ही हीरे नहीं है, ये दिल से भी हीरे। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा प्लान दिया है जो जिसका नेटवर्कर कभी सपना देखे। नेटवर्क मार्केटिंग को जैसा प्लान चाहिए था ना, कि जो फ्रंट लाइन पे वर्कर्स ने जाके जिन्होंने काम करना है, उनकी रिटेल इनकम बननी चाहिए, उनकी पॉइंट इनकम बननी चाहिए, नीचे काम करने वाले लोगों को पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, ऊपर वाले लोग जो है उनको बेशक बाद में मिले या कम मिले, लेकिन फ्रंट लाइन पे काम करने वाले बंदे को पैसा पूरा मिलना चाहिए, उसका जीवन यापन शुरुआत में पहले दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसा शानदार प्लान इन्होंने जब हमारे सामने रखा, ठीक है, तो हमें भी अपना जो एक्सपीरियंस था, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस था, जो इस प्रोडक्ट से जो मतलब ये जो ट्रू नेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रू नेक्टर शुरू डाली हुई है, ट्रू नेक्टर एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मत समझिए। मैं बार बार ये बात अपने सभी साथियों को बोलता हूं, ये जो ट्रू नेक्टर है ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, ये नेवर बिफोर वाली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और आपको भी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी ने, इस नेक्टर ने और इस नेक्टर की जानकारी ने, इसके कॉन्सेप्ट ने, इसकी नॉलेज ने मेरा जीवन बदला है। मैंने अपने जब मेरा जीवन बदला, मैंने अपने परिवार का जीवन बदला, और जब परिवार का जीवन बदला तो फिर मैंने अपने रिश्तेदारों का, सभी रिश्तेदार उनका जीवन बदला, हमारे घर के बच्चे से लेके बूढ़े तक, आदमी क्या, औरतें क्या, जवान क्या, सब लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपना अपना जीवन सुंदर, स्वस्थ, निरोगी, बलवान और लंबी आयु जीने वाला बना चुके हैं। तो आप लोग भी आज इस सेशन के जरिए ये सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है, स्टेप बाय स्टेप हमने ये प्रोडक्ट कैसे मिला, कहाँ से आया, ठीक है, इस प्रोडक्ट में है क्या, ये काम कैसे करता है, अब इम्यून सिस्टम की बात सारी दुनिया करती है लेकिन इम्यून सिस्टम होता क्या है। पीपीटी दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, पीपीटी आ रही है। हाँ जी, यहाँ पे पीपीटी में अभी जो दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर तेजवंत सिंह नंदा है, वो मेरे पार्टनर है, डॉक्टर तेजवंत सिंह नंदा, MD आयुर्वेदा। ये प्रोडक्ट उनकी खोज है। कब खोज किया उन्होंने? जब मैं उनके पास अपनी मिसिज के बारे में ये पूछने गया था कि आप डॉक्टर साहब बताइए कि मेरी मिसिज को जो डिजीज थी वो थी इम्यून सिस्टम के बिगड़ने की डिजीज। इम्यून सिस्टम इमेच्योर होकर बिगड़ जाता है, बिगड़ने के बाद वो शरीर पर खुद पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। जब इम्यून सिस्टम खुद पर अटैक करना शुरू कर दे तो कब कौन सा अंग डैमेज हो जाएगा ये हमें पता नहीं चलता। तो ऐसी गंभीर बीमारी में एलोपैथी वाले ये बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। मैं पूछता था इम्यून सिस्टम अटैक क्यों कर रहा है, इसको सुप्रेस क्यों करना पड़ेगा, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने जब अपने दोस्त डॉक्टर तेजवंत सिंह नंदा से बात की, उन्होंने इन मशरूम, 6 मशरूम्स के बारे में बताया, तो फिर हमने ये वाली 6 मशरूम जब ढूंढी तो वो हमें जाके कनाडा से मिली।
कनाडा में एक कंपनी मेटाजेनिक्स कंपनी थी, वो कंपनी ये वाली 6 मशरूम्स का एक्सट्रैक्ट बना के बेच रही थी, और उस वक्त ये मशरूम्स मुझे 12 से 12,000 की $200 की इसकी कीमत थी, ठीक है, और 50-60 रुपए कीमत थी डॉलर की, और फिर उसके ऊपर कस्टम पड़ता था, उसके ऊपर कोरियर चार्ज पड़ता था, 15 से 18,000 की शीशी घर में पड़ती थी। तो जब वो हमने मंगवा के इस्तेमाल किया तो मेरी वाइफ भी स्टेप बाय स्टेप डिजीज से बाहर आ गए, और डॉक्टर नंदा जो कि मेरे पार्टनर हैं उनके मिसेज जो कि कैंसर से लड़ रहे, ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस बीमारी से बाहर आ गए, और हम लोगों का जीवन जो है सुंदर, स्वस्थ, बलवान और निरोगी और लंबी आयु जीने के काबिल बने। और यही बात खत्म नहीं हुई, फिर इस कंसेप्ट को लोगों को देकर हमने पैसा भी बनाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केट का रास्ता चुना, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप सब जानते हैं कि एक लिमिटेशन होती है, हम एक लिमिटेशन तक काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो हम एक ढूंढ रहे थे कोई अच्छा नेटवर्क जिससे, मतलब सबसे पहले तो हम जब ट्रेडिशनल मार्केट में डॉक्टर्स के पास जाते थे तो हमें देखकर ये बहुत बड़ा दुख हुआ कि हमारे जो डॉक्टर भाई हैं, चाहे वो आयुर्वेदा से हैं, चाहे एलोपैथी से हैं, चाहे होम्योपैथी से हैं, वो लोग इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगों को बताया जाए ट्रू नेक्टर जैसा, जिसके मिलने के बाद लोगों की अपनी जो दवाइयों की जरूरत होती है वो खत्म हो जाए। तो वो हमारे लिए बड़ी एक मतलब परेशानी वाली बात थी कि हमने बहुत समय गंवाया ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे डॉक्टर्स पर, ऐसे लोगों पर जो इस प्रोडक्ट को समझ तो गए लेकिन आगे देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपनी ओपीडी बचा के रखना चाहते हैं। नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस घर में चला जाता है उस घर की दवाइयों की जरूरत खत्म हो जाती है, उस घर में मेडिसिन की जरूरत खत्म हो जाती है, उस घर के लोगों को बार बार टेस्ट करवाने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए, बार बार एक्सरे करवाने के लिए, एमआरआई करवाने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो यही से तो कमाई करते हैं डॉक्टर लोग। तो डॉक्टर लोग अपनी कमाई के विरुद्ध कोई भी काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने में हमारी कोई मदद नहीं की, कि हम खुले मन से और शर्म कह रहे हैं। फिर दूसरा रास्ता ये था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए इस प्रोडक्ट की जानकारी हर घर पहुंचाएं, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट हर घर में जाएगा तो इम्यून सिस्टम की बात भी होगी, तो जब इम्यून सिस्टम की बात होगी तो रिजल्ट भी आएंगे। तो ऐसा करके हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। हमें जब नेक्टर के बारे में जब डेवलपमेंट तब हुई जब हमें ये ट्रू ग्रोसरी का प्लेटफॉर्म मिला, विक्की जी मिले, सैनी जी मिले, ठीक है, नागरा जी मिले, इन लोगों ने पहली बार जब हमसे मिले तो जैसे नागरा जी ने बताया कि इन्होंने बहुत सवाल किए ये प्रोडक्ट, क्योंकि पता क्या है जिस लेवल का ये काम करता है ना प्रोडक्ट उस पर यकीन नहीं होता लोगों को, हर बीमारी में, हर जगह पे, हर प्रोडक्ट पे, हर चीज पर ये काम करता है ये प्रोडक्ट, इम्यून सिस्टम के जरिए काम करता है ये प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके रिजल्ट भी आते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ट्रू नेक्टर के बारे में, आप समझिए, ट्रू नेक्टर जो है ये दुनिया का बेहतरीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलेटर, मतलब आपने इम्यूनिटी बूस्टर सुने हैं, इम्यूनिटी का बढ़ाने वाले प्रोडक्ट सुने हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अम्यूनो मॉड्यूलेटर। अब अम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या होता है जी? अम्यूनो मॉड्यूलेटर वो होते हैं जो जिस लेवल का थ्रेट है ना जी बॉडी को, जिस लेवल का थ्रेट है उस लेवल का बॉडी में जो है वो पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं, उसको अम्यूनो मॉड्यूलेटर कहा जाता है। अभी जैसे स्क्रीन पर हमारे इम्यूनिटी की बात आ रही है, ठीक है जी, अवर इम्यून सिस्टम इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, विदाउट एन इम्यून सिस्टम अवर बॉडीज वुड बी ओपन टू अटैक फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, मतलब कहने का बीमारियों का घर बन जाता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, यही एक सवाल था। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम लोग बात करें कि ये प्रोडक्ट है क्या, काम क्या करता है और इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं और किस किस बीमारी में, ठीक है जी। ठीक है अपना नागरा जी, अभी आप ये मैं कहूंगा तो आप लगा देना, तो अभी फेस टू फेस बात कर लेंगे। हाँ जी नागरा जी,
हेलो कृपाल सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ जी, आवाज आ रही क्लियर आपको? हाँ सर, भी आ रही। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, आमतौर पे इम्यूनिटी पे एक बड़ी लैक ऑफ नॉलेज है कि इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में बताएं, जहां से हमें भी पता लगा, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई ओपीडी है, ना कोई प्रोफेसर है, ये इम्यूनिटी होती क्या है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि तुलसी में इम्यूनिटी मिल गई, बिलो में मिल गई, तो ये कंप्लीट पैकेज का कंप्लीट जानकारी क्या है, इसके बारे में जरूर बताएं इम्यूनिटी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, तो इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम। आप देखिए ना, इम्यूनिटी के बारे में ये कहा जाता है, हर बंदा जानता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सब जानते हैं। दूसरी बात, हर बंदा जानता है दूसरी बात कि बीमारियां अगर आई हैं तो इसका मतलब है इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है जी। और तीसरी बात, हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक हर चीज इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है इम्यून सिस्टम, उसके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, पहला सवाल तो हमारा ये है। आप देखिए, स्कूलों में आपको मिलेगा, किताबों में हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा दिए गए, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। अब ना स्कूलों में हमें पढ़ाया गया और ना ही ये डॉक्टर्स को बताया गया। डॉक्टर्स को इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, ए टू जेड सारे नाम रखे हुए हैं उन्होंने, और पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट कर दी है कि इसको लॉजिकली कंक्लूड ही नहीं किया जा रहा। जब इम्यून सिस्टम को लॉजिकली कंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इसके बारे में डॉक्टर्स इसको एक्टिवेट करके, इसको शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके, बीमारियों को ठीक करने का जो कला है या जो प्रोटोकॉल है वो जानते ही नहीं है। अगर इम्यून सिस्टम पे काम करने वाले डॉक्टर होते तो हमें हर हॉस्पिटल में एक ओपीडी इम्यून सिस्टम की जरूर मिल जाती। तो साथियों, ये एक जो चैप्टर छोड़ा हुआ है, जो डॉक्टर्स की पढ़ाई में भी नहीं है, हमारी पढ़ाई में भी नहीं है, वही चैप्टर हम ट्रू ग्रोसरी में पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी का बादशाह ट्रू नेक्टर हमारे पास है। ग्रेट सर, ग्रेट। अब इम्यूनिटी के बारे में जब बात होती है तो हमें आजकल, जैसे कोरोना के टाइम पे तो इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें हो रही हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं कि आप विटामिन ए खाओ, विटामिन बी खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ, सुनने को मिल रहा है ना सारा कुछ, मल्टी विटामिन खाओ, कोई कहता है जिंक खाओ, कोई कहता है कॉपर खाओ, कोई कहता है सिलेनियम खाओ, ये एलोपैथी से मिलने को मिल रहा है। और आयुर्वेद में हमें क्या सुनने को मिल रहा है, तुलसी खाओ, अश्वगंधा खाओ, गिलोय खाओ, काढ़ा पियो, स्पिरुलिना खाओ, मुरिंगा खाओ, आंवला खाओ, च्यवनप्राश खाओ, शहद खाओ। और यहां तक इम्यूनिटी का शोर मच गया है कि जब हम दूध, हमारा दूध वाला आता है ना, वो भी कहता है कि हमारा दूध पियो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। बात वो सारे सही कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं, तो हम क्या क्या खाएं, क्या क्या ना खाएं। मैं आपको साथियों एक और बात बताना चाहता हूं, ट्रू नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम एक दिन के बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये वही, यही प्रोडक्ट कैंसर से लड़ रहे मरीज को भी दिया जा सकता है। अब ये वाले जो मन में सवाल उठना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, कैंसर के साथ लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, बड़े केमिकल यूज करते हैं लोग, तो ये कैसी दवाई भी जो कैंसर में भी दी जा सकती है और पैदा हो रहे बच्चे को भी दी जा सकती है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है। और ये जब इम्यून सिस्टम की बात होती है तो हमें इन दो तीन चीजों के अलावा इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम लोग कंफ्यूजन में हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। हमें कोई सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक ही जगह सब कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में मिल सके,
वो कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली अब सप्लीमेंट देखो ना, आयुर्वेद वाले भी शोर मचा रहे हैं, एलोपैथी वाले भी शोर मचा रहे हैं, और सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले भी शोर मचा रहे हैं। आपने देखा होगा सप्लीमेंट इंडस्ट्री, चाहे एमवे है, चाहे एफएलपी है, चाहे वेस्टिज है, ये सब लोग इम्यून सिस्टम का ही शोर मचा रहे हैं। पर मैं किसी को भी आज तक जब भी कोई मेरे पास आया है कोई प्रोडक्ट लेकर, तो मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई तूने इम्यून सिस्टम की पढ़ाई की है? तेरे को पता है इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? अगर पता है तो मेरे को ये बता दे कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, 80 तरह की डिजीज हमारे समाज में ऐसी तरह की फैली हुई हैं जिसमें इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर का दुश्मन हो। इसमें डायबिटीज भी एक है। डायबिटीज भी जब पेंक्रिया हमारा कैसे डैमेज होता है, पेंक्रिया गंदा हो जाता है पहले, वो गंदा हो जाता है वो कहानी अलग है, और उस पेंक्रिया को हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है। असल में तो अटैक गंदगी पर होना चाहिए, पर इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो गया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है, वो कंफ्यूज होके पेंक्रिया को ही डैमेज कर रहा है। ऐसे ही अस्थमा के पेशेंट हैं, ऐसे ही ब्रेन डिजीज के पेशेंट हैं, ब्रेन की जितनी डिजेनरेटिव डिजीज है सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऐसे ही आंखों की रोशनी जाती है जो वो भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऐसे ही हमारे ज्वाइंट पेन जब होती है, गठिया हो जाता है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऐसे ही हमारी बैक पेन होती है, मसल डैमेज होते हैं, ठीक है, या हमारा लिवर डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी जितने भी हेपेटाइटिस हैं, या सिरोसिस ऑफ लिवर है, उसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें इम्यून सिस्टम ही लिवर को डैमेज कर रहा है, ठीक है। और आज जो है वो साइंस इम्यूनिटी का रोल हार्ट डिजीज में भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है हार्ट डिजीज में, पर क्या रोल है, कैसे करना है, उनको अभी तक रिसर्च चल रही है। पर साथियों मैं आपको बता दूं, हम लोग नेक्टर को इस्तेमाल करने वाले ट्रूग्रेसी के सारे हमारे नेटवर्कर्स धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को समझना शुरू हो गए हैं, इम्यून सिस्टम के कामों को समझना शुरू हो गए हैं, और इम्यून सिस्टम को कैसे शुद्ध किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जागृत किया जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, जागृत हो गया, और सब जगह पे पूरा मुस्तैद हो गया, तो हमारे अंदर अगर बीमारी नहीं है तो आएगी नहीं, वो गारंटी है, उसका तो दावा ठोक के करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम बीमारियों से घिरे हुए हैं तो बीमारियां धीरे धीरे उन बीमारियों से हम निकल आएंगे। और अगर बीमारियों में फंसे हुए हैं, घिरे हुए होना और फंसे हुए होना दो अलग अलग बातें। बीमारियों से जो घिरे हुए हैं वो लोग, उनके ऑर्गन अभी डैमेज नहीं हुए, लेकिन बीमारियों की वजह से इम्बैलेंस आ चुका है, वहां पर बहुत बड़ा रोल है नेक्टर का। नेक्टर को जब इम्बैलेंस की वजह से लोग बीमारियों में घिरे होते हैं, वहां पर जब शुरू कर दिया जाता है तो नेक्टर बड़ा शानदार रिजल्ट देता है। धीरे धीरे दवाइयां, हम किसी की दवाइयां बंद नहीं करते, हम लोग ना तो बीमारियों से डील करना चाहते हैं और ना ही हम बीमारियों की बात करना चाहते हैं, हम तो इम्यून सिस्टम की बात करना चाहते हैं, हम तो इम्यूनिटी को जागृत करके, सिद्ध करके, मुस्तैद करके स्वस्थ देना चाहते हैं। कोई हमें पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, तो हम बीमारियों का बिजनेस नहीं करते, हम लोग सेहत का व्यापार करते हैं, क्योंकि सेहत कहीं पर भी नहीं मिलती। ये हमारी गलत फहमी है कि हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्थ मिलती है, ना 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 ना, ना। किसी हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्थ नहीं मिलती। हेल्थ कहाँ मिलती है, इम्यून सिस्टम को शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके, मुस्तैद करके। और इम्यूनिटी का कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है, इम्यूनिटी का शोर फैला हुआ है, अब हम कैसे कंक्लूड करें? तो आज हम इस बात को समझने के लिए कि इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करने वाले प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी, सारे प्रोडक्ट का हमें पता लगना चाहिए, ठीक है, वो तभी पता लगेगा अगर हमें इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो जो समाज में, जो पढ़ाई में हमारी छोड़ा हुआ है, जो चैप्टर मिसिंग चैप्टर है एजुकेशन का, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो वो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। साथियों जिस तरह से हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, उसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम की भी 3 सेनाएं हैं। पहली सेना जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना है ना, वैसे हमारे अंदर एक पहचानने वाली सेना है, एक घेरा डालने वाली सेना है और घेरा डाल के आइडेंटिफाई करती है, और एक सेना उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालती है। साथियों ये तीनों सेनाओं के काम को समझना,
पहले जैसे कोई भी एबनॉर्मलिटी शरीर में जो कि बीमारी पैदा कर सकती है, जब हमारे शरीर में पहुंचती है, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, कोई केमिकल हो, या वहां पे कोई कैंसर हो, या फंगस अंदर चली गई है, या अंदर कुछ इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, या कोई डैमेज हो गया है, या कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है, या कोई चीज कम हो गई है, या कोई चीज बढ़ रही है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें वो जो हमारी पहली सेना है वो उसकी पहचान कर, जैसे पहचान हो जाती है एबनॉर्मलिटी की, तो उसी सेना ने दूसरी सेना को एक्टिव कर देना जिसने घेरा डाल, जब वो घेरा डाल देती है उसी सेना में आइडेंटिफाई करने वाले सेल होते हैं, वो बताते हैं अभी क्या एबनॉर्मलिटी, जब एबनॉर्मलिटी की आइडेंटिफिकेशन हो गई फिर तीसरी फोर्स बुला ली जाती है जो उस एबनॉर्मलिटी के हिसाब से वहां पर प्रोसेस करके उस एबनॉर्मलिटी को शरीर से बाहर निकाल। तो ये तीनों सेनाओं के लाखों करोड़ों अरबों सैनिक हमारे शरीर में काम करते हैं, इनके हम नाम भी बोल सकते हैं, इनके काम का बड़ा डिफिकल्ट इंग्लिश नाम रखे हुए हैं। अब जैसे पहचानने वाली जो सेना है जो शरीर में पहचान करती है एबनॉर्मलिटी की, उसका नाम डेंड्रेटिक सेल रखा हुआ है। डेंड्रेटिक सेल का काम होता है एबनॉर्मलिटी को पहचानना, राइट? उसके काम को बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ऐसे ही हमारी जो दूसरी सेना है उसके जो सैनिक सेल होते हैं उनके नाम है मैक्रोफेज, राइट? मैक्रोफेज इनके साथियों, इनके एसोसिएटेड काम करने वाले जितने भी सैनिक सेल होते हैं उनके अलग अलग नाम रखे होते हैं, राइट? तो उसमें आइडेंटिफाई करने वाले सैनिक होते हैं, वो घेरा डाल के आइडेंटिफाई करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ऐसे ही जो तीसरी सेना है जिसने एबनॉर्मलिटी को पहचान के प्रोसेस करके बड़े से बाहर निकालना है, उसके जो सैनिक होते हैं उनका नाम है तीसरी सेना के जो सैनिक उनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स, और वो प्रोसेस करके एबनॉर्मलिटी को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो ये तीनों सेनाओं के जो सैनिक है टिश्यू में भी काम करते हैं, ब्लड में भी काम करते हैं, बोन मैरो में भी काम करते हैं। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? सही आ रही है जी, क्लियर आ रही है। ओके, राइट। तो ये तीनों सेनाओं के सैनिक जो हैं, हमने इनको तीनों जगह पे टिश्यू में भी, ब्लड में भी और बोन मैरो में भी, इनकी गिनती भी बढ़ानी है, इनकी ताकत भी बढ़ानी है और इनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी है। तो मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि इन तीनों सैनिकों की तीनों जगह पे गिनती बढ़ाने वाला, ताकत बढ़ाने वाला और इंटेलिजेंस बढ़ाने वाला दुनिया में कोई एक प्रोडक्ट जो अगर है तो वो है ट्रू नेक्टर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। साथियों मैं इसीलिए कहता हूं इस प्रोडक्ट को ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं गिनना, ये नेवर बिफोर वाला प्रोडक्ट है जी। वेरी गुड, ठीक है। ये दोबारा बोल रहा हूं मैं कि हमारे तीनों सेनाओं के सारे सैनिकों की ताकत बढ़ाना, इंटेलिजेंस बढ़ाना और उनकी गिनती बढ़ाना, टिश्यू में भी, ब्लड में भी और बोन मैरो में भी, बहुत सारे काम एक ही प्रोडक्ट ट्रू नेक्टर कर सकता है और कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीच में आवाज आ रही किसी की, शायद कुछ नहीं। सर बात करो, सर बात करो। हेलो नागराज जी, आप कुछ कह रहे थे मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। अभी सही आ रही है नागराज जी? आपकी अभी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। अभी सही आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके तो थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा। तो डॉक्टर साहब आपने बड़ा शानदार बताया कि इम्यूनिटी के तीनों सेनाओं के ऊपर काम करता है, तो उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ाता है, क्वांटिटी भी बढ़ाता है, पावर भी बढ़ाता है, तो एक बात समझ आ गई। पर आपने इसमें क्या ऐसा डाला है, क्या आप दावा करते हो कि कौन सी जड़ी बूटी आपने डाली है और जड़ी बूटियों का ज्ञान आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, थोड़ा बताइए। हाँ वो मैंने बताया ना आपको, जब डॉक्टर नंदा से मैंने बात की थी अपने मिसेज के बारे में कि वो ऑटोइम्यून डिजीज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे को इसके बारे में जानकारी बताई, ठीक है। तो वो हमने पहली बार जब प्रोडक्ट हमने
ये सुश्रुत संहिता की बात चल रही है ना, ये सुश्रुत संहिता की जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बात जानकारी हमें बाद में मिली, लेकिन पहले हमें मॉडर्न मेडिसिन से इसकी जानकारी मिली, वो कनाडा से हमें जानकारी मिली। तो वहां से जब हमने प्रोडक्ट ये मंगवाया, ये 6 मशरूम्स हैं नगरा जी, वो पीपीटी शुरू से चलाइए आप, जो हमारे हमने मशरूम्स के बारे में बात करनी है ना पहले। किसके बारे में? मशरूम्स, मशरूम्स के बारे में, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप्स, लाइनमेन, चिटाके। हाँ, पहले पहले ये बता दीजिए इनका वर्णन बता दीजिए। हमारे शास्त्रों में इनका जो वर्णन है ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए, आयुर्वेद जो है ना, ये एक ऐसा ज्ञान है जो किसी इंसान का पैदा किया हुआ नहीं, ये इस दुनिया की रचना करने वाला जो सृजनहार शक्ति है उसका ज्ञान है। उन्होंने इस ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया था, ताकि कौन सी वनस्पति में कौन सा रस डाला हुआ है, उसकी पहचान क्या है, उसका नाम क्या है, और उसके गुण क्या है, वो कहाँ से मिलेंगी, उनके काम करने का तरीका क्या है, ये सारी की सारी जानकारी ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी जी को दे दी। धन्वंतरी जी ने ये जानकारी आगे सुश्रुत संहिता में अपने जो उनके शिष्य थे सुश्रुत जी, उनको दी। आप सबको पता होना चाहिए कि सुश्रुत जी अपने देश के सबसे बड़े और सबसे पहले सर्जन थे, जो कटे हुए हाथ पैर जोड़ लेते थे। और सुश्रुत जी ने अध्याय 30 पर इसको रसायन के तौर पर वर्णन किया है, ये वाली जड़ी बूटियों का। ये आपके सामने जो आया है ये अध्याय 30, इसको आप अनलार्ज करके भी देख सकते हैं, जो रेड स्क्वायर के अंदर है अध्याय 30 में, वो पहला श्लोक इन ये वाली जड़ी बूटियों के बारे में बोल रहे हैं। अथतो निर्वृत्त संतापा संतापीय रसायन व्याख्या श्याम। अब यहां से अगाड़ी हम निर्वृत्त संतापीय रसायन, बच्चों सबसे यहाँ पे ये जानना जरूरी कि रसायन किसको बोलते हैं। ये जड़ी बूटियां एक तरह से आयुर्वेद का रसायन है, रसायन कैटेगरी में है। अब रसायन क्या होता है? रसायन वो होता है जो हमारे रस बनाने वाले, रक्त बनाने वाले, मांस बनाने वाले, मेद बनाने वाले, अस्थि बनाने वाले और बोन मैरो बनाने वाले जितने भी चैनल हैं, ठीक है, उनको शुद्ध करे, सिद्ध करे और जागृत करे और मुस्तैद करे, उसको रसायन बोला जाता है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, हम जो भी खाते हैं पहले उसका रस बनता है, पेट पूरा एक चैनल होता है, एक अंगों का पूरा एक ग्रुप होता है जो रस बनाता है, तो उसी रस से पहले फिर बाद में रक्त बनता है, ठीक है, उसके अलग से चैनल है, अलग से अंग है, और उस रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, और अस्थि से ही बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो से औरतों में एग बनते हैं, पुरुषों में स्पर्म बनते हैं, उसी बोन मैरो से ही हमारे इम्यून सिस्टम की सारी जो है सेनाएं हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है, उनकी डिप्लॉयमेंट होती है और उनकी ट्रेनिंग होती है, और उनको रसद भी बोन मैरो से मिलती है। तो अब आप समझ सकते हो कि इम्यूनिटी पर हमारे खाने पीने का और उस खाने पीने की जो कन्वर्शंस होती हैं उसका कितना असर होता होगा। तो ये सारे काम करने वाला, जो सारे चैनल्स को शुद्ध और सिद्ध करके जागृत करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको रसायन बोला जाता है। तो ये हमारी जो मशरूम्स हैं, ये इसके बारे में जब वो चैप्टर 30 में लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि ये ऐसा रसायन है जो जिससे शारीरिक और मानसिक दुख निर्वृत्त होवे, ऐसी रसायन विधि का व्याख्यान करते हैं। अब यहाँ पे वो किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहे, वो समस्त दुखों से निर्वृत्त होने का नाम ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा रसायन, एक ऐसी रसायन विधि जिसको इस्तेमाल करके हम शरीर के सभी संतापों को खत्म कर सकते हैं। बात बहुत बड़ी कही उन्होंने, एक ही श्लोक में कही। अब वो इस बात को और बड़ा करने के लिए 2 श्लोक और बोल रहे हैं। वो 2 श्लोक कौन से हैं? आगे लिखा हुआ है, यथा निर्वृत्त संतापा मुदंते दिवि देवता तथा औषधि रम्य प्राप्य मुदंते भूमि मन। मतलब जैसे सब संतापों से निर्वृत्त होकर स्वर्ग में देवता आनंद करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार इन औषधियों का उपयोग करके पृथ्वी पर मनुष्य समस्त दुखों से निर्वृत्त होकर आनंद कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो लाइन है ना कि सभी दुखों को अपने शरीर से खत्म करके हम आनंद कर सकते हैं, वो मैंने अपने जीवन में सच होते हुए देखी है। मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को,
मेरे भाई बहन को, मेरे माता पिता जी, मेरे सास ससुर, मेरे जीजा साला, सब लोग देवी देवताओं की तरह जिंदगी जी रहे हैं, सब लोग सुंदर हैं, बलवान हैं। बहुत बढ़िया सर, सब लोग सुंदर बलवान निरोगी लंबी आयु और हर रस भोगने के काबिल, ऐसा जीवन ये वाले रसायन का इस्तेमाल करके हम जी सकते हैं। तो साथियों आपने देखा कि इसके बारे में जो वर्णन है, अब इसका नाम उसी चैप्टर में आगे जाके अगले पेज पर वो ये वाली जो जड़ी बूटी हैं उनके नाम बता रहे हैं, ये आपके सामने है। इसका नाम है श्लोक जो है निष्पत्रा, मतलब ये बिना पत्ते के होती हैं। आप सबको पता है कि ये जो इनका नाम छत्र अति छत्र के रखा हुआ, ठीक है, और इनको बोला गया है, इनके पहचान का जो श्लोक है वो है निष्पत्रा कणक बासा, भूरे रंग की होती है, बूले द्वय उंगल समिता, जड़ से दो उंगल लंबी होती है, सर्पाकार सांप के आकार की तरह होती है, लोही तांता मतलब अंत तक लोहे जैसी हो जाती है, और श्वेत कपोती रुच्यते शुरू शुरू में सफेद कबूतर की तरह दिखती है, शुरू में सफेद कबूतर होती है, बाद में भूरे रंग की हो जाती है, फिर अंत तक लोहे जैसी बन जाती है, सांप के आकार की होती है, जड़ से दो उंगल ऊंची होती है। तो ये जो दिखाया जा रहा है आपको, आप देखिए गैनोडर्मा का आगे का रंग लोहे जैसा है, लोही तांता, और इसके पीछे का रंग जो भूरा है कर्ण का भाषा, और ये सांप के आकार की तरह भी है। तो लोही तांता कर्ण का भाषा सर्पाकारा और बिना पत्ते के होती है और जमीन से दो उंगल लंबी होती है, राइट। तो ये सारे हमें इसमें, और ये जब आप अगर इंटरनेट पे देखोगे जब ये शुरू शुरू में जब उगती हैं तो ये सफेद रंग की होती, एक सफेद कबूतर की तरह होती। और आगे इसी चैप्टर में आगे बताया गया है कि इसके अंदर जो दैवीय गुण आते हैं वो कैसे आते हैं। यहाँ ये बताया गया, जी देखिए, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब अमृत का पान किया, आप सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक अमृत निकला था, विष निकला था, ठीक है, विष को तो धारण कर लिया था शिव जी ने, लेकिन जो अमृत निकला था वो अमृत पीने के बाद देवी देवता सुंदर बलवान निरोगी लंबी आयु जीने वाले और हर रस भोगने वाले बन गए थे, अमर हो गए थे। वही अमृत जब देवताओं को अमृत पान करवा दिया, बचा हुआ अमृत जो था ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए सोमा प्लांट्स में डाल दिया, और मनुष्य के लिए सोमा जैसी औषधियां, ये वाली जो रसायन जिसकी बात हो रही है उसमें डालने के लिए जो औषधि पति चंद्रमा को दे दिया। तो हमें सबको पता है कि चंद्रमा की किरणों के जरिए ही ये मतलब हमारे औषधियों में गुण डाले गए। नागराज जी वापिस, हाँ यहाँ पे ये आप ये एक श्लोक ये देखिए, यहाँ पर जरा मृत्यु छत्र अति छत्र के विद्यार क्षोभने कंद संभव, जरा मृत्यु निवारण श्वेत पोती संस्थित है, मतलब ये छत्र और अति छत्र के बारे में आपको ये विद्या मिले कि ये जो है बुढ़ापे और मौत के कारण का निवारण करने वाला। अब आप देखिए यहाँ कहीं पर भी उन्होंने बीमारी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है कि हमारा बुढ़ापा भी बीमारी की वजह से आता है और मृत्यु भी बीमारी की वजह से हो रही। तो ये वाली जो जड़ी बूटी है इसको लेने के बाद आप अपने अंदर, ठीक है, जो है वो इस लेवल की शक्ति महसूस करते हैं कि आप ये नेक्टर जो है इसके अंदर डाली हुई जो छत्र अति छत्र के जो जड़ी बूटियां हैं, जो मशरूम्स हैं, वो बुढ़ापे और मौत के कारण का निवारण कर देती है शरीर से, हम अंत तक अपना जीवन जो है वो निरोगी जी सकते हैं। हाँ जी कांगड़ा जी, ये तो मतलब हो गया ना आयुर्वेद की तरफ से, हम जो बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में काम कर रहे हैं, अब ये बात हो रही है मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये यूएसए की पब्लिश्ड मेडिसिन जो रिसर्च वर्क होता है उसको मतलब उसका डाटाबेस तैयार करने की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर जाकर अगर आप ऊपर डालोगे ये रेड मशरूम के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में जब डाला तो हमें कितने, आप देखिए नीचे दूसरा देखिए 2594 मतलब लगभग 2600 रिसर्च पेपर एक ही प्रोडक्ट का। अभी हम एक हर्ब की बात कर रहे हैं गैनोडर्मा की,
ऐसे ही हम अगर कॉर्डिसेप की बात करें, लाइनमिन की बात करें, चटाके की बात करें, बायोटेक की बात करें, ये सारी मेडिसिन, सारी ये जो मशरूम्स हैं, ये अमीनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट हैं, जो हम बात करके हटे हैं इम्यूनिटी के ऊपर, उसके बारे में पढ़िए। अमीनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ गैनोडर्मा आर एक्सटेंसिव, इंक्लूडिंग प्रमोटिंग द इननेट इम्यून फंक्शन जो बोन मैरो से होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो ब्लड में होती है, एंड सेलुलर इम्यूनिटी जो टिश्यू में होती है। इन पर्टिकुलर गैनोडर्मा लूसिडम पॉलीसेक्राइड्स में अफेक्ट इम्यून सेल्स एंड इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स इंक्लूडिंग बीटा एंड टी लिम्फोसाइट, डेंड्रेटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड नेचुरेटिकुलर सेल्स विद द प्रमोशन ऑफ इम्यून ऑर्गन ग्रोथ, साइटोकिन रिलीज एंड इम्यून रेगुलेटरी फंक्शंस। साथियों, ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में, ये जब हमारे अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, मुस्तैद हो जाए, अपना काम पूरा करे, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं लग सकती। पहला काम, बड़ा काम जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात करती है सारी दुनिया, लेकिन उसके लिए उनके पास है क्या, कोई बताता नहीं। बहुत ही शानदार बात बताई आपने कि देखो, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी है, मॉडर्न साइंस में भी है, और कमाल की बात है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका शानदार जो मिश्रण बनाया, वो पहले हमारे हाथ में नहीं लगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार प्रोडक्ट आपने किया। जो इसमें 6 तरह की मशरूम आपने डाली है, डॉक्टर साहब कितनी तरह की मशरूम होती है, और ये 6 मशरूम में क्या क्या मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, प्लीज इसके बारे में बताएं। हाँ, तो नागराज जी, जब मशरूम की बात होती है ना, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो आता है वो आता है सब्जी। जब भी मशरूम की बात करो आप किसी से, तो सबसे पहले सामने वाले के मन में सब्जी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दुनिया में लाखों किस्म की जो है ना मशरूम्स अवेलेबल हैं, लाखों किस्म की। दुनिया का कोई भी कोना मशरूम से रहत नहीं, जिसको फंगाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, हम पंजाबी में यहाँ पे उसको उल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। ये फंगस जो है ना, ये कुदरत का जो है सफाई सेवक है, ये कुदरत के जो है स्कैवेंजर सेल्स है। आपने देखा होगा जो जंगल होता है, ठीक है, वो जंगल हमारे शहरों से भी ज्यादा साफ सुथरे और स्वच्छ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जंगल में जो भी वेस्ट होता है, डेड मटेरियल होता है, कोई एनिमल मर जाता है या कोई प्लांट डेड हो जाता है, तो उस प्लांट और एनिमल को फंगस जो है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक जिंदा मटेरियल होता है, उसको वो दोबारा फ्रूट बॉडी में कन्वर्ट कर देती है, और जो यूजलेस मटेरियल होता है, वेस्ट हो चुका, उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर। तो जमीन के अंदर ये फंगस हमेशा बनी रहती है, और ये एक फंगस दूसरी फंगस के साथ लड़ती भी रहती है अपनी जगह के लिए, राइट। तो ऐसा करते करते हर मशरूम अपने अंदर दूसरी मशरूम को हराने के लिए, उसको खाने के लिए बायोकेमिकल वेपनरी तैयार करते रहते हैं। तो करोड़ों सालों से अपने अंदर वो बायोकेमिकल वेपन तैयार करते 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 जो छह मशरूम्स सर्वाइव कर रही हैं, बाकी सबको नष्ट करने के बाद, ठीक है, खुद जिंदा हैं, जिनको कोई और मशरूम नहीं मार सकती, वो 6 मशरूम्स हैं, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप, लाइनमिन, शिटाके, मायटेक, और इन मशरूम्स का एक्सट्रैक्ट हम नेक्टर में यूज कर रहे हैं। हमारे भारत में गैनोडर्मा के बारे में बात पहले हो चुकी है, बहुत लोगों ने गैनोडर्मा के बारे में सुना हो, रेड मशरूम, लेकिन ये वाली जो गैनोडर्मा है, ये जो जिसको जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है चाइनीज लिटरेचर में, जिसको जापान में एक देवी की तरह पूजा जाता है, ठीक है, और इसको मतलब इसके चमत्कारी गुणों को हर देश ने सराहा है, मॉडर्न मेडिसिन भी वही कह रही है कि इम्यून सिस्टम को जागृत करके ये वाली जड़ी बूटी किसी भी बीमारी से हमें बचा भी सकती है, अगर बीमारियों से घिरे हुए हैं बाहर निकालेगी, बीमारियों में फंसे हुए हैं तो बीमारियों के साथ एक अच्छा जीवन बिताने की अरेंजमेंट कर देंगे। इस तरह के प्रोडक्ट हैं ये, तो इसकी, इस प्रोडक्ट की हर घर को जरूरत है, हर बंदा अपने बच्चे को भी दे सकता है, अपने बुजुर्गों को भी दे सकता है, और खुद भी ले सकता है। साथियों, हर घर को इसकी जरूरत है, ठीक है। और दूसरी जो हर्ब है कॉर्डिसेप जो है, ये आजकल पॉपुलर हो रही है अपने देश में, लेकिन 1993 में सबसे पहले चाइनीज एथलीट्स ने, जब ओलंपिक में 1993 में अमेरिका के जो एथलीट्स थे, उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे
उनको जब ब्रेक करके गोल्ड मेडल जीत लिए तो दुनिया को इसके बारे में पता चला। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा तो बहुत बड़े मार्जिन से टूटा, तो शक पड़ गया कि चाइना के एथलीट्स ने नशा किया होगा। उनका दोबारा टेस्ट कराया गया, डोप टेस्ट हुआ, लेकिन वो डोप टेस्ट नेगेटिव आया। फिर खोजी पत्रकारों ने खोजा कि चाइना के एथलीट्स ने ये वाली कॉर्डिसेप्स जो है, ये वाली जड़ी बूटी खाई और ये मिलती अपने भारत में थी। ये जो ऊपर के हायर रीजन है ना, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भूटान, उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर के जो ऊपर के रीजन है, जो 14-15 हजार की ऊंचाई, जहां पे हमेशा बर्फ रहती है, उस बर्फ के नीचे एक कीड़ा चलता है। वो कीड़ा अंदर की प्लांटेशन को खाता है, बर्फ के नीचे की जो प्लांटेशन होती है, और जैसे बर्फ पिघलती है वो कीड़ा जमीन के बाहर आ जाता है और वो मर जाता है। और उस मरे हुए कीड़े के सिर पे से एक लाल रंग की, ऑरेंज कलर की ऐसी एक घास मशरूम निकलती है, जो घास की तरह दिखती है, ठीक है, वो मशरूम कॉर्डिसेप्स है। और उसको जब चाइना के एथलीट्स ने लगातार दिया तो उनकी परफॉर्मेंस अमेरिकन एथलीट से बढ़ गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने शुरू कर। उसके बाद फिर ये सारी मशरूम्स की एकदम से डिमांड बहुत बढ़ गई, बड़ी दुनिया भारत में जो ऊंचाई के जो रीजन है वहां पे आने शुरू हो गए, और डॉलरों के हिसाब से इनकी कीमत जो है धीरे धीरे 50-40-50 लाख से 80 लाख रुपए किलो तक भी जानी शुरू हो गई। जो एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस जड़ी बूटी को जानते हैं, ठीक है। अब इसका जो अगर मॉडर्न मेडिसिन की खेती नहीं सीखती तो ये हमें मिलनी नहीं थी, क्योंकि इतनी महंगी हर्ब को हम यूज ही नहीं कर सकते, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतना पैसा कौन लगाए। तो ये हमें इसलिए मिल रही है कि मॉडर्न मेडिसिन ने इसकी खेती सीख ली, और जो खेती करके जिसको उगाया जाता है वो कीड़े पर नहीं होता, वो वेजिटेरियन होती है, ठीक है जी। और दूसरा, वो जो उगाई जाती है उसके अंदर जो जंगल में पाई जाती है, पहाड़ों में पाई जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम है, उनके काम भी सेम है। तो हम वो जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कल्टीवेटर है उनसे ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है जी। तो कॉर्डिसेप जो है इसका मेन काम जो है वो है किडनी फंक्शन इंप्रूव करना, लंग हेल्थ इंप्रूव करना, और एनर्जी चैनल्स पर काम करना। इम्यूनिटी पर तो सारों का काम, राइट, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन और हार्ट फंक्शन, इन तीनों में कॉर्डिसेप का बहुत जबरदस्त रोल है। तो और ये जब हमारा किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन और हार्ट फंक्शन प्रॉपर हो जाता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, तो जो जीवन में आनंद लेने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, तो हम अपना पूरा आनंद ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है जी। अगला करिए, अगली हमारी हर्ब है माइटैक्स। ये सुन, माइटैक्स से पहले लाइन में आनी चाहिए नगरा जी। हाँ, ये लाइन में, लाइन में, जैसे आप लोगों ने अभी सुनना शुरू, पहले गैनोडर्मा के बारे में 2-4 साल 6 साल सुनते रहे हम, अभी हम कॉर्डिसेप्स के बारे में सुनना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको अचानक ये खबरें मिलेंगी कि एक साइंस ने एक ऐसी मशरूम खोज ली है जो ब्रेन सेल को रीजनरेट कर सकती है, जो हमारी आंतरियों के सेल को भी रीजनरेट कर सकती है, जो हमारी एसिडिटी पे काम करके हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। तो साथियों, साइंस अभी इन पे काम कर रही है, मॉडर्न मेडिसिन अभी इसको, आधुनिक विज्ञान अभी इस पे काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हम तो पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी हेल्थ की, इम्यूनिटी की, आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो लाइन मेन के बारे में बता दें, ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन इंजरी हो जाए अगर, वो दोबारा रिपेयर क्यों नहीं होती, क्योंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर्स ब्रेन में अवेलेबल नहीं होते। कोई भी नर्व को रीजनरेट करने के लिए जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो पेट से बनते हैं, लिवर बनाता है, वो ब्लड ने कैरी करके ब्रेन में लेके जाना होता है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से नर्व ग्रोथ फैक्टर ब्रेन में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से ब्रेन में जो इंजरी होती है उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर लायंस मेन आपके पास है, अवेलेबल है, आप नेक्टर ले रहे हो, तो अगर किसी वजह से ब्रेन इंजरी हो गई तो रिकवरी कंप्लीट होने की संभावना होती है। सिर्फ एक रिकवरी होती है जिसमें टिश्यू डिस्कनेक्ट होके अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर रिकवरी नहीं मिलती। लेकिन जो क्रश इंजरी होती है, सोजिश की वजह से जो
प्रॉब्लम आती हैं, इन्फेक्शन की वजह से, ब्लॉकेट की वजह से, क्लॉट की वजह से जो प्रॉब्लम आती हैं, वो सारी की सारी रिवर्स हो जाती है अगर हम लायंस मेन उसी वक्त शुरू कर दें, नेक्टर उसी वक्त शुरू कर दें जिस वक्त प्रॉब्लम आई। यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो पुराने डैमेज हो चुके हैं, जो दोबारा नहीं बनते, रीजनरेट नहीं होते, वहां पर हम क्लेम नहीं करेंगे कि हमारा नेक्टर लो आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, ऐसा क्लेम नहीं करना है। क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो झूठ है वो झूठ है, गलत है वो गलत है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हर्ब है हमारी बायोटेक। बायोटेक को वुमेन फ्रेंडली हर्ब बोला जाता है। इसके जो बोटेनिकल नेम है गैरीफोला फंडोसा, राइट। इसका मेन काम होता है कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को जो है जो वो एक्टिवेट करता है, राइट। ये इसके अंदर जो बीटा ग्लूकोन डाले गए हैं या जो इसके अंदर मिनरल फाइबर, पोटेशियम, विटामिन बी एंड सी और कॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स जो डाले गए हैं, कुदरत ने डाले हैं, कुदरती तौर पर अवेलेबल होते हैं, वो वुमेन हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें थायराइड हो गया, पैनक्रिया हो गया, ओवरीज हो गई, प्रोस्टेट हो गया, जो ग्लैंडुलर हमारा फंक्शन है बॉडी का, उसमें जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है उसको एक्टिवेट करके दोबारा बैलेंस और रेगुलेट करने का काम बहुत शानदार करता है। बहुत बढ़िया, मतलब ब्रेन पावर भी आ गया और वुमन पावर भी आ गया। वुमन पावर भी आ गया, राइट। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारी दो अगली दो हर्ब है वो है शिटाके। शिटाके भी गैनोडर्मा की फैमिली की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको लेंटिनस एडोब्स भी कहा जाता है। ये वाली हर्ब जो है ये इम्यून सिस्टम पे तो सारी ही काम करती, छह की छह काम करती है, लेकिन ये वाली हर्ब का एचआईवी और एड्स पर रिसर्च बहुत हो चुका है, वहां पे इसके रिजल्ट मिल चुके हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में भी बहुत बेनिफिट करती है और जो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो नाड़ियां हार्ड हो जाती हैं उसको नर्म करने में बहुत हेल्प करती है। हर डिजीज में इसका भी स्वास्थ्य में रोल है। मेन इसका काम स्किन डिजीज में रहता है, स्किन और वायरस के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा काम। चिताक। तो नेक्स्ट नंबर हमारी एक लास्ट वाली, दैट इज टर्की टेल। ठीक है। टर्की टेल के बारे में बताया जाता है कि कैंसर के ऊपर इसका बहुत शानदार रोल है। अब इम्यूनिटी के ऊपर तो सारी हर्ब का रोल है ना, स्पेशली कैंसर से लड़ रहे हमारे जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनके इम्यून सेल भी डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कैंसर से लड़ाई लड़ते लड़ते कमजोरियां बहुत आ जाती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। वहां पर जब हम नेक्टर देते हैं, टर्की टेल देते हैं, तो ये जो है बॉडी के अपने जो एंटी कैंसर कंपोनेंट्स होते हैं उनको दोबारा रीबिल्ड कर देती है। उससे चार फायदे होते हैं लोगों को। पहला फायदा ये होता है कि वो जो कीमोथेरेपी रेडिएशन झेल लेते हैं, दूसरा जो साइड इफेक्ट है उनको कवर कर लिया जाता है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, तकलीफें कम होती हैं और जो डैमेज हुआ वो फटाफट रिपेयर हो जाता है और बॉडी के एंटी कैंसर कंपोनेंट खड़े हो जाते हैं, कैंसर के आने की दोबारा आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से ये छह की छह मशरूम हैं जो जिसके बारे में अभी बात हुई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रोडक्ट जो है इम्यूनिटी पे काम करने का, इसको अब देखिए छह की छह मशरूम जो है, अब मन में सवाल उठ सकता है लोगों के कि हर माता को अपना बच्चा प्यारा लगता है, ठीक है ना। हमारा प्रोडक्ट है, हमें अपना प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या डाला है, बताया जा रहा है वो डाला भी है कि नहीं डाला, क्या इसकी क्वालिटी में कोई कभी कभी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, राइट, या इसकी अवेलेबिलिटी में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी पे 100% गारंटेड क्वालिटी दी जा रही है। ये सर्टिफाइड यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया। यूएस एफडीए से हमें जो इसके जो रॉ मटेरियल, जो इसके कल्टीवेटर हैं, जो इसके खेती करते हैं, उनको यूएस एफडीए से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला हो, पहली। दूसरी बात, जब ये प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट करते हैं, भारत में जब आता है, तो इसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस COA वो साथ में आता है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस साथ में नहीं आएगा
तो ये प्रोडक्ट कस्टम क्लियरेंस नहीं ले सकता, राइट। तीसरी बात, ये प्रोडक्ट जिस लैब में बनता है वो मेरी अपनी लैब, मैं खुद इसका बैच डालता हूं और वो लैब जीएमपी सर्टिफाइड लैब है। इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला आदमी आपके सामने बैठा है, बहुत बड़ी डॉक्टर, आपको आपके सामने बैठा है और हमेशा आपके सामने रहेगा, और आपके हर सवाल का, आपके हर ऑब्जेक्शन का वो आंसर देने के काबिल। डॉक्टर साहब, आप इसको बनाने की विधि क्या है, और इसको कांच की शीशी में ही डालते हैं ना आप, कांच की शीशी में? हाँ, 100 ml जो, हाँ, वो जो जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर सेलुलोज पोर्शन होता है, चिटिन पोर्शन होता है जो यूजलेस होता है, फिर उसके अंदर स्पोर होते हैं, स्पोर, स्पोर एक तरह से अखरोट की तरह छोटे छोटे ना, जैसे अखरोट के ऊपर लकड़ी होती है, अंदर लकड़ी को तोड़कर उसके अंदर से गिरी निकालनी होती है, ऐसे ही स्पोर पाउडर होता है इसमें। अगर हम वो पाउडर के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से वो स्पोर पाउडर को तोड़कर, ठीक है, उसके अंदर से बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालने का काम हमें लीवर को करना पड़ता है। ओके, तो वो काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पाउडर खाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, हमने जो जो मतलब हम 20 बूंद से फायदा लेते हैं नेक्टर से, वही फायदा अगर हम पाउडर से लेना चाहें तो हमें 20 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। ओके, इसीलिए इसके जो जो फूड सप्लीमेंट के रूप में पाउडर के शेप में जो गैरोटमा और ये सारी मशरूम्स मिलती हैं, उसका फूड वैल्यू है लेकिन मेडिसिनल वैल्यू नहीं। उसकी मेडिसिनल वैल्यू लेने के लिए हमें उनकी मात्रा बहुत ज्यादा खानी पड़ेगी और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको अल्ट्रासाउंड सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो ये वाली जो पाउडर हर्म है, हर्म्स हैं, इसके अंदर सेलुलोज को अलग कर देती है, चिटिन पोर्शन को अलग कर देती है, और जो अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर होते हैं, उनको ब्रेक करके उसके अंदर जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्लांट सिनर्जी के साथ बायो अवेलेबल कर दिया जाता है। और जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं वो न्यूट्रल सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, और कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी एडिटिव इसमें डालने की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कांच की शीशी में इसलिए डाला गया कि ये जो इसके अंदर जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ना मशरूम के अंदर, वो इतने ताकतवर होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो प्लास्टिक में हम उसको उनको होल्ड ही नहीं कर सकते, वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करना शुरू करते हैं। इसलिए इसको कांच की शीशी में रखा, और कांच की शीशी को ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक्स में आने जाने में अगर वो टूटे ना, उसके लिए इसको हमने थर्मोकोल के पैक में कवर किया हुआ है और बहुत ही शानदार पैकिंग बनाई हुई है। और बिल्कुल बहुत बाहर से भी बहुत शानदार पैकिंग है और कांच की शीशी की भी बहुत शानदार पैकिंग है, और इसको पूरे वर्ल्ड में भेजा जा रहा है, इंग्लैंड, जापान, कनाडा और सभी जगह पे भेजा जा रहा है, और कहीं भी कोई कहीं भी शिकायत डैमेज की नहीं है, एक भी शिकायत नहीं है, बहुत शानदार पैकिंग है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको एक तो आपने बताया कि अगर तो बंदा स्वस्थ है तो इसको 20 बूंदे सुबह ले सकते हैं खाली पेट पानी में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2 टाइम ले सकते हैं, और इसको लेने के बाद एकदम कुछ ना कुछ लक्षण वगैरह आते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारा इसको लेने के बाद जब हमारा इम्यून सिस्टम जागता है, एक्टिव हो जाता है, तो सबसे पहला काम उसका होता है वो बॉडी को क्लीन करें। जब बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसने क्लीन करना है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम आए, जैसे किसी को लूज मोशन लग गया, किसी को वॉमिटिंग आ गई, किसी को बॉडी पे रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी को चक्कर आ गया, किसी के मुंह में छाले पड़ गए, किसी की आंखें लाल हो जाती है, किसी के कानों में डम डम सुनना शुरू हो जाता है, ठीक है, और किसी की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़े दिनों के लिए बढ़ जाती है। तो इसके सारे के पीछे एक साइंस ये है, जैसे अभी नागराजी आपके पास स्लाइड होगी वो लॉ ऑफ नेचुरल हीलिंग की और हीलिंग क्राइसिस की, तीसरी वाली, लास्ट वाली, हाँ ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग द हीलिंग क्राइसिस, आपने जिसको बोला उसको हम हीलिंग क्राइसिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये देखिए, अब जब नीचे जो बनाया गया है चार्ट बनाया गया है, ये बीच में डॉक्टर कपिल देव चौधरी जी का ना हाथ आया हुआ है, कोई नहीं, उसकी वजह से
कंप्लीट कीजिए आप बात। ये जो नीचे चार्ट बना हुआ है ना, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेफ्ट से, स्टार्टिंग लेवल ऑफ हेल्थ, अगर हमें नेक्टर नहीं मिलता तो जो ग्रीन लाइन नीचे जा रही है ना, तो हमारा हेल्थ क्राइसिस बना रहता है और हमारी सेहत डाउन जाती रहती है। लेकिन जब हमें नेक्टर मिल गया तो हमारी अवस्था वो लाल लाइन वाली हो जाती है। हम शुरू में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, शुरू में थोड़ा सा महसूस अच्छा करते हैं, और फिर जब इम्यून सिस्टम पूरा जाग जाता है, वो बॉडी को जब हील करना शुरू करता है, तो जिसकी जो बीमारी जहां होती है उसकी जड़ जब हिलती है तो थोड़े से सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा कारण, ये क्यों आते हैं सिम्टम्स, ठीक है, वो इसी पीरियड में, ये जो छोटा सा पीरियड है ना, जब डाउनफॉल आता बंदे का, जब उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, रेगुलेशन होती है, उस वक्त हमने उस पेशेंट के जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको समझाना है कि तेरे ये जो सिम्टम्स आए हैं वो क्यों आए। वैसे तो पहले हमने बता के देना, इसको लेने के बाद थोड़ी सी हलचल आएगी, ठीक है, उसको झेल लियो, नहीं झेल सकते तो साथ में मेडिसिन ले लो, लेकिन इस प्रोडक्ट को बंद मत कर, ठीक है जी। तो ये वाला जो हमारी स्लाइड है, ये वाली समझनी बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी नेटवर्क काम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि उनको खुद को भी और उनके जहां जहां वो ये उन्होंने प्रोडक्ट दिया है वहां वहां लोगों को सिम्टम्स आए हैं, लेकिन जो पहले बताया हुआ था, इसलिए सिम्टम्स आने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि वाह भाई वाह, नेक्टर ने काम करना शुरू कर, इट्स वर्किंग। फिर वो हमारे ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। जब यकीन करना शुरू कर देते हैं उसके बाद उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स लोगों ने डेवलप कर लिए हैं जिनके बारे में मतलब कभी सोचा भी नहीं जा सकता, चमत्कारी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नागरा जी एक आ रही है कि जिसका भी टेस्टिमोनियल डेवलप हो रहा है वो उस टेस्टिमोनियल को अपने पास ही रख लेता अपना बिजनेस करने के लिए, वो टेस्टिमोनियल को शेयर नहीं कर रहा। नहीं कर रहे, शेयर कर रहे हैं, बहुत टेस्टिमोनियल आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे लाइव चल रहा है, काफी टेस्टिमोनियल्स हैं। और दलबीर सिंह खालसा जी ने बहुत बढ़िया कमाल, दलबीर सिंह खालसा जी ने कमाल किया हुआ है। जितनी सच्ची साफ सुथरी आत्मा, मुझे दलबीर सिंह खालसा जी, क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारे एसईपीसी के प्रीचर भी हैं, एसईपीसी के सेवक हैं, ठीक है, तो ये तो ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई इबादत वाला काम मिले जिसमें मैं ऐसा काम करूं। दलबीर जी मैं चाहूंगा आप अपनी थोड़ी सी ना इसी बात पे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकम कैसे कमाई जा। खालसा जी की देखो क्वालिटी ये है कि खालसा जी नेटवर्किंग को बाय बाय बोल गए थे, क्योंकि नेटवर्किंग में काफी मेहनत की, इन्होंने कामयाबी नहीं मिली और इन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी। देखो आमतौर पर लोग सारा दिन फ्री रहते हैं तो भी काम नहीं करते, तो खालसा जी जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ जब इनको प्रोडक्ट पे रिजल्ट आया और इन्होंने बहुत ज्यादा अपने एरिए में इन लोगों की सेवा की, उनको अच्छा रिजल्ट मिला और उन्होंने बार बार इसकी रिकॉल आई, इसकी रीपरचेज आई, और आज इनकम की बात करूं तो आज इनकम भी बहुत अच्छी कमा रहे हैं, बड़ी फास्टेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग तरीके से डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई है। हम एक मिनट इनका लास्ट में लेंगे डॉक्टर साहब, बस दो मिनट आपके डॉक्टर साहब और लेना चाहते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो खालसा जी वाइंड अप करेंगे इस जबरदस्त सेशन को। तो आप डॉक्टर साहब ये बताएं कि दो मिनट में और बताएं कि जो अपने शानदार प्रोडक्ट है जिसको नोनी के नाम पे हम जानते हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में, हाँ जी हाँ जी, और जिसको मिरिंडा सिट्री फोलियो बोला जाता है ना, तो कहीं कहीं हमें रिजल्ट लेट हो जाते, रिजल्ट लेट इसलिए हो जाते थे कि लोगों का एसिडिटी की वजह से आंतरियों में डैमेज हो चुका है, न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत डाउन था, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो इम्यूनिटी के जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जो मतलब पहचानने वाले, घेरा डालने वाले, प्रोसेस करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले सेल हैं, इनका आपस में जो तालमेल नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं तालमेल बनता था? क्योंकि रिजल्ट लेट हो जाते थे, क्योंकि न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन था। न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन इसलिए था कि एसिडिटी ने, हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी का जो इलाज हो रहा है उसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन का बहुत डैमेज हुआ। एसिड जो हमारी बॉडी में जो डैमेजेस कर देता था पहले, उसको रिपेयर करने के चक्कर में
नेक्टर को डिले हो जाता था काम। तो अब जैसे प्रोटीन जो बहुत सेंसिटिव होता है एसिड को, एसिड के साथ वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो डैमेज होके क्रॉस रिएक्टिव बनकर बीमारियों की वजह बनना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन जिसने जाके डाइजेशन के बाद ब्लड में माइक्रो प्रोटीन बनना होता है और उसी माइक्रो प्रोटीन का यूज करके हमारे इम्यूनिटी कंपोनेंट्स ने आपस में तालमेल बना के बीमारी से लड़के बीमारी से बाहर निकालना होता है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होता। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो लिवर का ग्लैरोनेन सिस्टम होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। आमतौर पे ये 20 ml का मिलता है और काफी महंगा पड़ता था, 100 ml में बहुत शानदार रेट पे हमें अवेलेबल हुआ है, बहुत बढ़िया। तो ट्रू फ्रूटा जब हम यूज करते हैं, हाँ जी ट्रू फ्रूटा जब हम यूज करते हैं तो ट्रू फ्रूटा हमारे लिवर का प्रोटीन डाइजेस्ट करने का जो ग्लैरोनेन सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसका रिजर्व भर देता है। तो लिवर ग्लैरोनेन का जो ग्लैरोनेन सिस्टम है लिवर का वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके माइक्रो प्रोटीन अवेलेबल करा देता है, न्यूट्रिशन स्टेटस बॉडी का बढ़ जाता है और नेक्टर के काम भी बढ़ जाता है। नेक्टर फ्रूटा दोनों साथ में लेने से रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं। तो इसको भी नेक्टर के बीच में डाला जा सकता है, कितने ड्रॉप्स डाल सेम पानी में, सेम पानी में नेक्टर फ्रूटा 20-20 बूंद दिन में एक बार, हेल्दी बंदा और अगर किसी बीमारी की कंडीशन से हम डील कर रहे हैं तो दिन में 2 बार, बहुत बढ़िया। और साथ में हम आपने बहुत शानदार जैसे बताया कॉर्डिसेप पे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा था और कॉर्डिसेप बीच में डाला गया नेक्टर में, और जिनका बहुत डैमेज हो गया है, जिनका काफी जिनको मैन पावर और वुमेन पावर चाहिए उसके लिए शानदार प्रोडक्ट आपने दिया हमें, कॉर्डी ट्रू कॉर्डी को हिमालयन व्याग्रा भी बोला जाता है। सो ट्रू कॉर्डी जो है ये एक जेन्युइन एफ्रोडियास, मतलब हमारी जो आनंद लेने की क्षमता बढ़ाता है, आनंद लेने की ताकत बढ़ाता है, हमारा समय बढ़ाता है, और इसकी सहायता से मतलब हम लोग लंग डिजीज, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज में भी नेक्टर के साथ अगर ले रहे हैं तो 5 बूंद, अगर अकेला लेना है तो 10 बूंद। बहुत बढ़िया, तो लेडीज भी ले सकते हैं? यस, लेडीज भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे आमतौर पर कई लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चा वगैरह नहीं होता उस पर भी वर्क करता है इनफर्टिलिटी? यस, इनफर्टिलिटी में मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा नेक्टर फ्रूटा के साथ कॉर्डिसेप ट्रू कॉर्डी जरूर ऐड करें, क्योंकि ट्रू कॉर्डी जो है ये इनफर्टिलिटी में बहुत शानदार काम करता है। ये एग की क्वालिटी, फीमेल में एग क्वालिटी और मेल में स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। बहुत बड़े डॉक्टर साहब आपने शानदार जानकारी दी। तो इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा कि दलबीर सिंह खालसा जी जो बताएं काफी रिजल्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपने दलबीर सिंह खालसा जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। खालसा जी दोस्तों, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आज दादा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा शोर मच रहा है पीछे, थोड़ा साइड पे आइए। हाँ जी दलबीर सिंह जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि सर अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो सर मेरे पास चल रही है मुलाकात, आज आप दलबीर जी आपने मेरे ख्याल से 2 जगह पे जूम चलाया हुआ है, दूसरी जगह को म्यूट कीजिए, दूसरे वाले को साइड कीजिए, अब आपकी आवाज गूंज रही है। सर वो म्यूट ही है और साइड में है, मेरा भाई देख रहा है। नहीं, उसकी आवाज आपके पास आ रही है ना, उसको बंद कर दीजिए या उसको दूर रखिए। उसकी आवाज बंद कर दीजिए ना, म्यूट से नहीं कुछ होगा, उसकी आवाज बंद कर दो दूसरी डिवाइस। हाँ हाँ जी बोलिए।
हाँ जी बोलिए खालसा जी। बिल्कुल एक इक्वायरी आई है कि क्या तीनों को ऐड करके लिया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल लिया जा सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने तीनों को एक ही पानी में, एक ही पानी में लिया जा सकता है, एक ही पानी में तीनों को मिला के लिया जा सकता है। पर ध्यान रहे कि जैसे हम ट्रू नेक्टर के साथ ले रहे हैं तो फिर ट्रू कोटी के 5 ड्रॉप ही डालने। हाँ जी ट्रू नेक्टर के 20 और ट्रू फ्रूटा के 20 ड्रॉप और ट्रू कोटी के ओनली 5 ड्रॉप। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अभी सही आ रही, बिल्कुल सही आ रही है, बोलिए। ओके सर, ओके ओके। मैं सर सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम नेक्टर फ्रूटा और कॉडी की बात करें तो सर हमने जो रिजल्ट लिए है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो सर कैंसर के जो पेशेंट थे वो भी नेगेटिव कर लिए है। सर जो हार्ट पेशेंट थे, किसी की एलर्जी थी, जितनी भी सर प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका सर एक ही रीजन है कि हमने कभी भी किसी को ओवर क्लेम नहीं किया। जब भी किसी को नेक्टर फ्रूटा या कॉडी को दिया है तो हमने पहले उसकी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उनको उनको समझाया इसके बारे में। जब प्रॉपर समझा के उसको बताया कि ऐसे ऐसे आपने क्या करना है कि 2 टाइम आपने सुबह और शाम इस नेक्टर को खाली पेट लेना है। और सर जब प्रॉपर वो इसको लेते हैं तो सर हार्ट पेशेंट, चाहे वो सर किडनी पेशेंट थे, चाहे वो लंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे सर किसी को कैंसर की एलर्जी की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमारे पास ऐसे कम से कम 150 से ज़्यादा रिजल्ट हैं जिसकी हम जल्दी जल्दी आने वाले समय में वीडियो भी बना के आपको सभी को सेंड करेंगे। सर कहने की बात है कि मैं इसमें एक ही मेरा तजर्बा निकला है कि हमने कभी भी किसी को, जैसे डॉक्टर साहब से हम बात करवाते हैं और हम पूरी बात समझा के उनको बताते हैं कि आपको इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, कभी भी ओवर क्लेम हमने नहीं किया सर। क्योंकि अगर हम ओवर क्लेम किसी को करते हैं कि आपको इसका 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सर ऐसे भी हमने रिजल्ट लिए हैं कि हमें 5-5 मिनट में भी हमने नेक्टर का रिजल्ट लिया है, पर हमने किसी को बताया नहीं सर। राइट, वेरी गुड, वेरी सर। हमने किसी को कभी ये नहीं बोला कि हमने 5 मिनट में रिजल्ट लिया है। हम बोलते हैं कि कम से कम आपको 20 दिन लगेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। जब सर हम उनको बोलते हैं कि 20 दिन में रिजल्ट आएंगे, उनको आता है 1 हफ्ते में, तो वो बंदा बहुत खुश होता है। अगर हम बोलेंगे कि आपको 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसको 3 दिन बाद आया, तो वो बोलेगा कि आपने झूठ बोला है, क्योंकि हमने ओवर क्लेम कर दिया। बट हमने कभी भी किसी को ओवर क्लेम करके ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा कॉडी नहीं दिया। और सर मैं डॉक्टर साहब से कई बार ये बात की है कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज उस परमात्मा का नाम ले रहा हूँ। हमारा जो इंसानियत का एक फर्ज बनता है कि हम किसी की हेल्प कर सके, और अगर किसी की हम हेल्थ को सही कर दिया तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हम इसको इबादत समझ कर करके ही लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं, और कभी भी किसी को अधूरी हमने जानकारी नहीं दी। हमें चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, हम प्रॉपर उसे पूरी डिस्कस करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये कैसे कैसे ठीक होगी। तो सर मेरे पास आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसने मुझे ये बोला हो कि नेक्टर का हमें रिजल्ट नहीं मिला। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कितने टाइम से कर रहे हैं आप दलबीर जी? सर मैं जब कंपनी की प्री लॉन्च हुई थी 13 अक्टूबर को, तो सर मैं 12 अक्टूबर को ट्रू ग्रोसरी में आया था। और सर जैसे आपने बताया था ना कि नेटवर्किंग को बाय बाय कर दिया था, तो सर मैंने आपको मालूम ही है कि 2009 में स्टार्टिंग की थी और 2010 तक काम किया। और मेरी एक ही दिल की भावना थी कि हमें एक ऐसा कोई ऐसी चीज मिले जिसके जिसकी वजह से हमें हमारा सिर ऊपर हो, कभी हमारी आंखें हमें नीचे नहीं करने पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत। और खालसा जी, और सर कितनी इनकम ले रहे हैं आप? सर इनकम सर बहुत बड़ी आ रही है सर, गुरु साहब की कृपा है सर। जो लास्ट मंथ है सर, हमने 50,000 से प्लस इसमें इनकम भी ली।
वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इनका इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था दविंदर जी का, जिनको भयंकर किस्म की एलर्जी थी, दविंदर सिंह के नाम पे सर्च कर सकते हैं। तो सर अगर हम एलर्जी की बात करें, हम हमें ये नहीं है कि हमने एक बार एलर्जी का रिजल्ट ले लिया तो हमें बाद में मिला। सर आज मेरे पास 10-10, 20-20 एक ही बीमारी पे रिजल्ट है। अगर हमने किसी को हार्ट पे ठीक किया ना, तो वो बंदा आज भी 6 महीने बाद हमारे साथ है, और हमने कभी उसको टेस्ट भी नहीं करवाने दिया। अगर हमारे पास आज भी हार्ट के लोग ठीक होते थे, और आज से 6 महीने पहले भी हमने किया। बहुत, और सर अगर सर देखो सर, कैंसर की बात हम करते हैं, हमने सर जनवरी में एक रिजल्ट लिया था, कैंसर को हमने नेगेटिव किया था, और जे ही रिजल्ट हमने पिछले महीने फिर लिया। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। लखविंदर जी भी बात करना चाह रहे हैं, लखविंदर सिंह जी रेडी रहे, इनके बाद आपकी बारी आएगी। डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए। बाकी सर मैं इतना ही बताऊंगा लास्ट में कम शब्दों में, कि अगर आपने जिंदगी में एक बढ़िया लोगों की सेवा करनी है, एक बढ़िया इनकम लेनी है, तो आपको ट्रू ग्रोसरी से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, और ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा, ट्रू कॉडी के बिना आपको दुनिया में कोई भी इतना अच्छा जो प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हो कि आपकी नेटवर्क में एक वक्री पहचान हो, और वो भी इज्जत के साथ हो, तो आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ टिके रहना पड़ेगा, और आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। जी मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मैं ज्यादा सामान लेना चाहता हूँ। थैंक यू जी दलबीर सिंह जी, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से चढ़ती कला में रहिए, सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, बहुत अच्छी आपकी। मुझे खुशी वाली बात यही है कि आप जहाँ आप लोगों को हेल्थ के तौर पे बहुत ज्यादा रिजल्ट लेके ठीक कर रहे हो, वहाँ आप वेल्थ पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। उन लोगों को इनकम दिलवा दी जिनको नेटवर्क का नॉलेज नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये लखविंदर सिंह जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी लखविंदर जी, लखविंदर सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं। तब तक डॉक्टर साहब आप, एक और क्वेरी आई है कि इनको लेने का सही टाइम क्या है, वो बताना जरा। हाँ, इसको लेने का सही टाइम है खाली पेट। ओके, वैसे तो इसको भोजन के साथ भी लिया जा सकता है, भोजन में मिक्स करके भी लिया जा सकता है, और भोजन के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम होता है भोजन से खाली पेट लेना, क्योंकि उस वक्त इस प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो 100% हो जाती है। और सेकेंडली, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही भोजन आता है, उसमें से पूरे जरूरी तत्व निकाल कर पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता मिलती है। मतलब सुबह खाने से पहले, शाम को भी खाना खाने से पहले, शाम को भी खाना खाने से आधा घंटा पहले। अच्छा, अगर ट्रू कोटी लेना है तो ट्रू कोटी भी खाली पेट लिया जा सकता है कि ट्रू कोटी खाली पेट, खाली पेट, खाली पेट, खाली पेट ले सकते हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर भूल गए हैं खाली पेट लेना, खाना खाने के आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं। हेलो, ओके, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, लखविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया हमें। ये तो थैंक यू अकाल पुरख का करो, परम पिता परमात्मा। जी जी जी, हमें भी उसी ने दिया। जी जी, मैं अभी आपकी मीटिंग भी ले रहा था, और साथ में मैं यूएस में किसी लेडीज से बात भी कर रहा था, तो बात करते करते उसने बोला कि आप नंदा जी, जो नंदा जी हो या डॉक्टर चावला हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ट्रू नेक्टर के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था इसके बारे में। अच्छा। तो मुझे थायराइड है, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितने समय का कोर्स है, तो मैंने इसको एक बार होल्ड पे डाल दिया, तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनसे। तो थोड़ा सा मुझे भी आपसे जानना है कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या दिया जा सकता है उनको, मतलब कैसे देना है उनको, कितना कोर्स करना देना चाहिए उनको। देखिए, पहले तो ये आप ये मान के चलो कि ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसको हम बीमारी स्पेसिफिक हो गए नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, ये इस बीमारी में काम करता है, इस बीमारी में काम करता है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। बीमारियों पे तो दवाइयां काम करती है, ये दवाई है ही नहीं है, ये तो नेक्टर है जी, नेक्टर, और ये इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, और इम्यून सिस्टम हर बीमारी में काम करता है जी।
जी आप मेरी बात को समझ गए हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बीमारियों के जंगाल से निकाल कर एक बड़े एंगल बड़े बड़े लेवल पर बिठाना है। हर बीमारी में इम्यून सिस्टम का क्या रोल है मरीज को बताना है, ठीक है, और वहां पर ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा इम्यून सिस्टम के जरिए यही उसको बताना है। अब उदाहरण के तौर पे ये जो जिनको थायराइड होती है उनको क्यों होता है, थायराइड हमारी ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड की माइक्रो सर्कुलेशन ब्लॉक हो गई है। माइक्रो सर्कुलेशन ब्लॉक किसने किया है? पेट से आ रहे गंदगी ने, कचरे ने और एसिड ने, ठीक है। अब हमें पेट भी ठीक करना है, गंदगी भी बाहर निकालनी है, ठीक है, सर्कुलेशन भी खोलनी है, ठीक है। ये सारे काम इम्यून सिस्टम के जो हमने तीनों तरह की सेनाओं की बात किया है उनको एक्टिवेट करके हमने हर पेशेंट में करना है जी, ठीक है। अब मरीज को पहले उसकी बीमारी की वजह पता होनी चाहिए, कारण पता होना चाहिए, फिर उसके कारण का इम्यून सिस्टम के जरिए कैसे निवारण होगा ये पता होना चाहिए, बस जी, इतना जी। सा काम करना हमने। अब मैं एक लाइन में बोलता हूँ, एक लाइन में, कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है। ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी का टॉक्सिन स्टेटस खत्म करता है, डाउन करता है, टॉक्सिन स्टेटस डाउन करता है जी, ठीक है। जब टॉक्सिन स्टेटस डाउन होता है तो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस अप बढ़ जाता है, ठीक है। जब टॉक्सिन स्टेटस डाउन होता है, न्यूट्रिशन स्टेटस अप होता है, तो सर्कुलेशन स्टेटस बहाल हो जाता है जी। तीन बातें होगी ना, टॉक्सिन स्टेटस डाउन करना, न्यूट्रिशन स्टेटस इसने अप करना है और सर्कुलेशन स्टेटस बहाल करना है। बाकी का सारा काम तो इम्यून सिस्टम खुद करना जानता है जी। जी 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 जी, इतनी सी बात है। बीमारी कोई भी हो, आप अब आप इस तीन एंगल से किसी भी बीमारी को हैंडल कर सकते हैं जी, ठीक है ना। और साथ में देखो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिशन स्टेटस, टॉक्सिन स्टेटस, हम टॉक्सिन स्टेटस डाउन कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाने की जब बात कर रहे हैं तो खाने पीने का ध्यान भी साथ में रखना है जी। और खाने पीने में सबसे बढ़िया ध्यान रखना होता है जो गंदे तेल है उनको खत्म करके देसी घी पर लोगों को ले आओ जी जी जी, बिल्कुल। हमारा नेक्टर फ्रूटा को काम करने के लिए देसी घी की जरूरत पड़ती है बॉडी में, ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना है जी। डॉक्टर साहब, जब पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए हम देते हैं तो चाहे प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, चाहे कोई एनी डिसीज है उस बंदे को, तो इसका जो कोर्स जब कितनी हमें देनी चाहिए, क्या डोजेस देनी चाहिए? डोजेस, हाँ, वो समझ। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए देने तो 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे देने हैं, टू टाइम्स। लेकिन जब कैंसर से फाइट कर रहे हैं तो फिर ड्रॉप्स की बात खत्म हो जाती है, फिर चम्मच की बात होती है, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर में भी पेशेंट इतना स्पेंड नहीं कर सकता तो उसको भी फिर हम 40 या 80 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे दे सकते हैं, सिर्फ कैंसर की बात कर रहा हूं, बाकी सारी बीमारियों में 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे सफिशिएंट है जी जी, राइट। और उसकी बीमारी के साथ उसकी जो दवाइयां चल रही हैं वो बंद नहीं करवानी है जी 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 जी, एकदम से बंद नहीं होंगी, धीरे धीरे जब जो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होकर बीमारी की वजह को खत्म कर देगा फिर दवाइयों की जरूरत खत्म हो सकती है, तब हम बंद करेंगे। और ये हर एक पेशेंट के समय अलग अलग होगा जी जी जी, ठीक है ना, हर एक की बीमारी का स्टेटस अलग अलग है, स्टैंडर्ड अलग अलग है, उसकी गहराई अलग अलग है। तो एक ना एक यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाई हुई है जो सब पर फिट बैठती है। वो स्टेटमेंट हमने क्या बनाई हुई है कि आप पेशेंट पूछता है जी कितना देर लेना पड़ेगा, कितनी देर में रिजल्ट मिल जाएंगे, जी जी हाँ जी जी जी, ठीक है। तो हमें बोलना है आपको पहली ही बॉटल से रिजल्ट मिल जाएंगे, पहले ही महीने रिजल्ट मिल जाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट के काम करने के शुरू होने के रिजल्ट मिलेंगे, आपको दिशा पता लगेगी हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया होता है कि इसको लेने के बाद ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सिम्टम्स जब आ जाते हैं पहली ही बॉटल से, किसी को एक हफ्ते में, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को एक महीने में, तो वो जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो मरीज को खुशी होती है, उसको लगता है कि अब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, जो बताया था वो हो रहा है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, राइट। जब पहली ही बॉटल से दिशा पता चल गई फिर हम मरीज को बोलते हैं, शुरू ही तब कराते हैं कि तूने 6 महीने इसी दिशा में, ठीक है, हमारा तजर्बा इस्तेमाल करना है,
सेम डोज पे, सेम डोज पे, क्योंकि हम तजर्बेकार हैं, क्योंकि कई बार पता क्या, कई बार पहले सब पहले डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम आते हैं, फिर लोगों को रेगुलेशन के सिम्टम आते हैं, कईयों की बीमारी के लक्षण थोड़ा सा बढ़ जाते हैं टेम्परेरी, बढ़ के जब वो बढ़ते हैं तब वो घबराए ना, तो चालू रखें, वो बढ़ के खत्म हो जाएंगे। जैसे शुगर का पेशेंट है, उसको जब हम देते हैं उसकी शुगर की रीडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जो शुगर का मरीज है वो तो बेचारा रीडिंग से ही तो देखता है कि मेरी बीमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है। हमने अगर उसको पहले नहीं बताया होगा, हमने अगर उसको पहले नहीं बताया होगा तो वो घबरा जाएगा, वो कहेगा मेरी शुगर बिगाड़ दी इन्होंने। ठीक है, उसको समझाना है, भाई देख इस प्रोडक्ट ने पहले तेरे अंदर जमी हुई शुगर जो दवाइयों ने जमाई है, और उसी जमी हुई शुगर की वजह से तेरे को प्रॉब्लम आने वाली थी, तेरे गुर्दे फेल होने थे, तेरी आंखों की रोशनी कम होनी थी, ठीक है, या तेरे हाथ पैर काटने की नौबत आ सकती थी, या तेरे को हार्ट अटैक हो सकता था, या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस बात का डर हमेशा शुगर पेशेंट को लगा रहता है। जी जी जी, वो होता इसलिए है कि जो दवाई खाता है वो दवाई ब्लड में से शुगर निकाल कर टिश्यू में डिपॉजिट करती जाती है। ठीक है, वो रीडिंग ठीक करते हैं लेकिन टिश्यू एसिडिक होते जाते हैं, टिश्यू के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जमा होता जाता है। जैसे ही उसको नेक्टर दिया जाता है उसके सेल साफ होना शुरू हो जाते हैं, वो जो जमी हुई शुगर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ब्लड में आना शुरू हो जाती है वापिस। जी, अब ब्लड में एक शुगर तो पेट से आ रही है, भोजन से आ रही है, एक शुगर जो है वो वापिस सेल से वापिस आ रही है, ब्लड में सफाई हो रही है, रीडिंग तो बढ़ेगी ना उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर पहले बताया होगा, बता के किया होगा, तो उसको बोलेंगे कि ये रीडिंग बढ़ के एक बार दोबारा वापस नॉर्मल जब आएगी तब हमें पता चलेगा कि तेरा सारा शरीर साफ हो गया, उसके बाद फिर तेरे को प्रॉब्लम नहीं कोई आएगी। जो तेरी दवाई तूने लेते रहना है, दवाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, शुगर की रीडिंग बढ़ने के बाद दवाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपनी रीडिंग पे ध्यान मत दे थोड़े दिन, अपनी सेहत पर ध्यान दे। उससे आप पूछो उसके, वो कहेगा मेरी रीडिंग तो बढ़ गई लेकिन मेरे शरीर के अंदर जान आ गई, ताकत आ गई है, मुझे खाया पिया लगना शुरू हो गया, मेरी आंखों की रोशनी ठीक होनी शुरू हो गई है, मुझे सांस चढ़ती थी वो नहीं आ रही, बॉडी बेटर फील कर रही है। ठीक है, तो उसको उस चीज के साथ जोड़ना है। इसलिए इसी यही एक वजह है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में ही कामयाब हो सकता है। जी, जी। क्योंकि जब पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे तब उसको साथ में काउंसलिंग चाहिए, और वो काउंसलिंग एक नेटवर्कर ही कर सकता है, पहले बता के देगा और जैसे सिम्टम्स आएंगे फिर उसको संभालेगा। जी जी, राइट, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। पेशेंट, हाँ जी, लखविंदर सिंह भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। अरे अरे सर, पता चल गया आपको। तो लखविंदर जी, ये ध्यान रखना आपने है, लखविंदर जी जी बिल्कुल, ध्यान ये रखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को जब उसको सिम्टम्स आ जाए उसको ये बोलना है कि जो सिम्टम्स नेक्टर से आए हैं ना वो इस नेक्टर से ही वापस जाएंगे, बंद मत करना। जी बिल्कुल जी, बस ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। जब उसको दिशा, जब उसको दिशा पता चल जाती है, अब दिशा ठीक है, फिर उसको बोलो 6 महीने हमारा तजर्बा इस्तेमाल कर, हमें पता है तेरे अंदर क्या ऊपर से आएगा। ठीक है, फिर ये बन जाएगा तेरा अपना तजर्बा। बिल्कुल जी जी जी, और उसके बाद 6 महीने के बाद आपने अपने तजर्बे से चलना है। जी, और मैं अपने तजर्बे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरा तजर्बा ये है डॉक्टर साहब, हुसैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया लखविंदर जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, हुसैन गौड जी बोलिए। जी जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रहा था, क्या बोलते हैं, आज किसी फ्रेंड को कोरोना पॉजिटिव पा गया। ओके जी, और सर वो आज ही मुझे खबर मिली है इस चीज की, सुबह तकरीबन 11 या 12 बजे। ठीक है जी। सर मैं पूछ रहा था आपसे कि नेक्टर देना क्या सही रहेगा उनके लिए। बहुत बहुत सही रहेगा, उसको नेक्टर और कॉर्डी दोनों दो, नेक्टर कॉर्डी, और हो सके तो फ्रूटा भी दो, क्योंकि कोरोना पेशेंट में क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ता है, प्रोटीन भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी सर, तो नेक्टर फ्रूटा कॉर्डी जी,
जी क्या सर, बोला आपने? मैं कह रहा था सर लगभग उसे मतलब कितने दिन के लिए कह दूं, मैंने कहा भाई रिजल्ट तुझे कब तक लगभग अंदाजा हो सके कि हाँ भाई महसूस अच्छा कर रहा। वो आपको एक दो दिन में ही बता देगा जी कि मुझे अच्छा बेहतर अच्छा महसूस हो रहा है। उसको उसको साथ में जो ट्रीटमेंट ले रहा है ना, जैसे गिलोय है, जी निमुसलाइड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन है, जो भी डॉक्टर बता रहे हैं जी वो साथ सर में लेता जाए, जी सर ठीक है। अगर वो नेक्टर फ्रूटा और कॉर्डी साथ में लेगा तो उसकी जी हॉस्पिटलाइजेशन सर नहीं होगी, घर में ही ठीक हो जाएगा। जी 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 वो सर जो है ना, आज देहरादून हॉस्पिटल गया था, वहां से रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोई बात पर उसकी नहीं, अभी कंडीशन तो ठीक होगी, कंडीशन तो खराब नहीं होगी उसकी। नहीं सर कंडीशन ठीक है। कल मैं उससे, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं कल उससे मिल के आया था, भाई बाइक मैकेनिक है वो, कल उससे मैं ठीक अच्छी तरह से मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर तो एक फिर चीज और है जो आप उसका मतलब थोड़ा सी कमी है कि वो शराब का सेवन करता था। ओके 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 ओके। तो आप अगर कल उससे मिलके जी आए हो तो तो सर उसका आप कोई खुद ऐसी भी दिक्कत तो नहीं है, ओ शराब का सेवन करता है वो। सुनो, अगर वो आप कल उससे मिलके आए हो ना तो आप खुद भी जी सर शुरू कर दो बिल्कुल सर आप भी नेक्टर फ्रूटा कॉर्डी लेना शुरू तीनों कर चीजें दो। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी गठिया ठीक हो सकता है और गठिया के लिए क्या किया जाए 20 साल से गठिया। बिल्कुल, गठिया गठिया एक ऑटोइम्यून डिजीज है जी। ये एक गलत प्रचलन है कि गठिया ठीक नहीं हो सकता। शुरुआती दौर में जब डैमेज नहीं हुआ, जो इम्यून सिस्टम बिगड़ा हुआ अपनी ही जॉइंट पे हड्डियों पे अटैक कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है जी। ऑटोइम्यून डिजीज में गठिया में ही हमारी स्पेशलाइजेशन है। ध्यान वहां पे ये रखना है कि डैमेज कितना हो रखा है, डिफॉर्मिटी कितनी आ चुकी है, दवाइयां कौन कौन सी ले रहे हैं। अगर कोई भी दवाई खा रहे हैं उसको बिल्कुल बंद नहीं करवाना, उनके साथ साथ ये जोड़ देना है नेक्टर फ्रूटा और कॉर्ड, अगर हो सके तो कॉर्ड भी ले ले, ठीक है। नहीं तो प्रेफरेंस नेक्टर की है, सेकंड नंबर पे फ्रूटा है, ठीक है जी। तो अनिल आप उनको अनिल उनको ये बोलना है अनिल कपूर कि जी साथ नोट में कर लीजिए। हाँ जी अपनी अनिल कपूर दवाइयां जी आप साथ में उनकी, लेते जाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब अपनी दवाइयां साथ में लेते जाएं। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो गठिया के पेशेंट होते हैं ना उनको अपनी बीमारी का जो एहसास होता है वो दर्द के जरिए होता है, ठीक है। तो जब गठिया ठीक होता है दर्द फिर भी होती है, दर्द एक बार बढ़ती है गठिया ठीक होने से पहले भी, ओके तो दर्द की दवाइयां लेते रहना अपने साथ अगर जरूरत तो पड़ती है तो, अगर जरूरत पड़ती है तो। और वो दवाइयों का असर भी कम करेगा और इसको ठीक भी करेगा। है दवाइयों का असर कम नहीं करेगा, दवाइयों को साइड इफेक्ट कम करेगा, असर बढ़ाएगा, असर बढ़ाएगा साइड इफेक्ट कम करेगा, बुरा असर कम करेगा, बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर साहब और सवाल आया है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के लिए वर्क करेगा? नहीं, उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं होता, वो टोटल होल बॉडी वेट में काम करता है, उसमें इसका ये नेचुरल शेप देगा, नेचुरल वेट देगा उनकी बॉडी को, हार्मोन्स ठीक करेगा, लेडीज के हार्मोन्स हार्मोन्स वगैरह। ठीक करेगा। हार्मोन तो बैलेंस करने ही करने हैं इसको, वो तो कॉर्डी का मेन रोल ही हार्मोन बैलेंस करना है। ठीक है, और जो आप बताते होते हो कि फ्रूटा किसको नहीं देना, सिर्फ किडनी फेलियर में नहीं देना, बस किडनी फेलियर पे नहीं देना, जहां किडनी फेलियर स्टेब्लिश हो चुका है वहां फ्रूटा नहीं देना, बाकी सब कंडीशन में फ्रूटा दिया जा सकता दिया जा सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया। और सर एक बहुत सर गुरप्रीत सिंह सर हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरप्रीत सिंह म्यूट किया कि नहीं आप? मैं करता हूँ, नहीं सर मैं कर दूंगा। हाँ मैं कर दिया अनम्यूट। ओके हेलो सर। हाँ जी गुरप्रीत। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड गुड मॉर्निंग जी। जनाब मैं जल्दी जल्दी थोड़े क्वेश्चन है मेरे, वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मान लो बच्चों में एक मेरे मित्र की क्वेरी आई थी भी, प्रोटीन कैसे निकलता है सर, मेरे को ना वो क्लियर नहीं है। वो बोले कि यार प्रोटीन डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन में, बच्चे की जो हेल्थ है उसमें फुलावट नहीं आ रही, बढ़ नहीं रहा, वो ग्रोथ नहीं हो रही है मान लो उसके, उसमें हाँ थोड़ा हाँ बता दें कि आप प्रोटीन वो कैसे जाता है और बंदे को नुकसान कैसे करता है। हाँ, प्रोटीन पता क्या है इसको, ये बीमारी का नाम है हाई प्रोटीन यूरिया, मतलब जो बॉडी है वो प्रोटीन को हैंडल नहीं कर पा रही, प्रोटीन को मतलब रोक नहीं पा रही, ठीक है। ये किडनी डिजीज है जी, और आने वाली किसी बड़ी किडनी डिजीज का ये इंडिकेटर हो सकता है उनको। ठीक है सर। बोलिए आप नेक्टर और कॉर्डी ये दोनों शुरू करते हैं।
नेक्टर और कॉर्डी। हाँ जी यस। बच्चे की एज कितनी है? 15 साल है सर। 15 साल फ्रूटा भी दे सकते हैं फिर। ठीक है जी। पर सर जैसे आप कह रहे हो कि फ्रूटा उसने अपने किडनी में नहीं देना है या सिर्फ एक बार शुरुआत नहीं, वो अभी उनका किडनी फेलियर एस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी अभी सिर्फ प्रोटीन जो है वो बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही, तो प्रोटीन को हैंडल करने में फ्रूटा का रोल अच्छा है। ठीक है। और एक सर आप बता रहे थे जैसे मान लो पैरालाइज शख्स है भी उस पे अपने उस वक्त ना मेरा थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था, मेरे को वो बात आपकी क्लियर समझ नहीं आई भी पैरालाइज शख्स को किस साल में और कब देना है और क्लेम नहीं ये। हाँ जी वो बता दीजिए। हाँ जो पैरालिसिस हो चुका है 8-10 साल पुराने, 2 साल 4 साल 6 महीने तो पुराने है, ठीक है जी, वहां पर जो डैमेज ब्रेन में हो जाता है सेल का वो रिपेयर नहीं होता, ये क्लेम हमने नहीं करना है जी। सेकेंडरी बेनिफिट सुन लो, सेकेंडरी बेनिफिट सुनने क्या है, ब्रेन में जब भी कोई इंजरी होती है तो तीन तरह के चार तरह की इंजरी होती है। पहली एक जिसमें टिश्यू डिस्कनेक्ट हो गया है जी, ठीक है सर, ठीक है जी। एक इंजरी होती है जिसमें टिश्यू क्रश हो जाते हैं, नर्व टिश्यू कनेक्ट हो, नर्व मतलब क्रश, नर्व इंजरी जो है ना वो क्रश इंजरी है, ठीक है, जिंदा है फंक्शनल हो सकते हैं लेकिन क्रश हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। वो सोजिश पड़ जाती है वहां पे, वहां पे क्लॉट आ गया, ब्लॉकेड आ गई, राइट, वो जो क्लॉट आ गया, जो ब्लॉकेड आ गई, जो सोजिश पड़ गई, जो क्रश हो गया, ये चारों की चारों चीजें ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ठीक होगी, जितना लेट हो गया उतना समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ जी, एक मेरे मित्र को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो बोला कि यार जैसे वेन है वो उसमें पंक्चर आया, उसको सेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या है कि ज्यादा ब्लड मान लो कोई यूज करके अपना प्रोडक्ट पतला होगा तो वो रिसाव वहां से नहीं होएगा या कोई बात नहीं चलेगा अपना प्रोडक्ट वहां पे? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट पतला नहीं करता, ये प्रोडक्ट बैलेंस करता है, ठीक है। अगर किसी का खून नॉर्मल से ज्यादा पतला है तो इस प्रोडक्ट ने उसको गाढ़ा करना, ठीक है, ठीक है सर। और अगर किसी का ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है उसको इस प्रोडक्ट ने पतला करके नॉर्मल करना, ये मॉड्यूलेटर है ना, इसको ठीक है, मॉड्यूलेटर बैलेंसिंग, हेमोस्टेसिस एस्टैब्लिश करना होता है, इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं, ठीक है सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद और सभी मित्रों का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट फिर मीट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चावला सर, थैंक यू नगर सर, थैंक यू।